बट अब देखें ये जी पेपर बेटा। सर आप नया स्केड्यूल बता सकते हैं क्या, कौन सा होगा अब? बेटा ये मैंने गलती आप लोगों का ना, ये आज मैंने गलती से एक और ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया। आप लोगों का वो जो 4 डेज होती है वही क्लास होगी, ठीक है? ये आज ये तो असल में उनकी क्लास थी जो जिनको मैं ईयरलीज करवाता हूँ, तो लिंक मैंने सब ग्रुप में सेंड कर दिया। आप लोगों की वही 4 डेज हुआ करेगी जो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे होती है बेटा। फिर क्लास ना अच्छा लें हम? अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं हम पेपर। क्वेश्चन नंबर पर वन मैं कह रही देखें। हूँ फिर ये क्लास हम ना लें जो दूसरे ग्रुप वाले हैं। क्वेश्चन बेटा ये हिशाम, माइक ऑफ कर दें बेटा। बेटा आप लोगों की मर्जी है, क्लास ले ले, मेरा इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा कि फ्लोरीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन डाइऑक्साइड एज शोन। इसमें देखें F2 और ClO2 का रिएक्शन हो रहा है और आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ F2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ClO2। नो कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व। सजेस्ट आर टू स्टेप मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। देखिए एक चीज पहले समझ लें कि जो रेट इक्वेशन होती है ना, जिस तरह उसने बता दिया है कि दोनों के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, तो इसका मतलब समझ लें ये जो पावर वन होती है ये असल में मोल्स होती हैं, कि स्लो स्टेप में फ्लोरीन का भी एक मोल इन्वॉल्व है और स्लो स्टेप में ClO2 का भी एक मोल इन्वॉल्व है। ये होता है बेटा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपने ना इसका मैकेनिज्म लिखना है इस रिएक्शन का, और उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होगा ना, स्लो स्टेप उसमें फ्लोरीन का भी एक मोल इन्वॉल्व होना चाहिए और ClO2 का भी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टू स्टेप मैकेनिज्म है, फ्लोरीन F2। अब देखो ClO2 के 2 मोल्स है ना, तो आप फिलहाल 1 मोल लो ClO2। अच्छा मैंने आपको इसमें एक तरीका बताया हुआ है, वो ये कि जब भी मैकेनिज्म लिखना हो तो जो एक एक मोल का आप रिएक्शन करवा रहे हो ना, बस इसको इकट्ठा करके लिख दो, F2 और ClO2 को इकट्ठा करके लिखो, क्या बनेगा भाई? F2ClO2 ये बनेगा। ये आपके पास इंटरमीडिएट, देखो ये आपका मेन रिएक्शन तो किस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, F2ClO2, तो ये आपका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मीन कि अभी ये नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन भी हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसने ब्रेक डाउन होना है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में F2ClO2। अब बेटा देखो इसने आपको ना जब मैकेनिज्म लिखना होता है तो जो दोनों इक्वेशन होंगी उसको जब आप ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन भी बननी चाहिए। तो अब आप जरा मेन इक्वेशन में देखो ClO2 के कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं, 2 मोल्स, तो आपने तो अभी तक 1 मोल यूज किया है, तो दूसरा मोल बेटा यहां लिखो ClO2 का ऐसे। और अब क्या करना है, बस प्रोडक्ट उठाकर लिख दो, जो प्रोडक्ट है वो आपने लिखना है, ये 2FClO2। अब कंफर्म आप करना चाहते हो ना कि भाई मेरा मैकेनिज्म ठीक भी है या नहीं, तो उसका तरीका ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखो कि आया ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है, तो बिल्कुल बनेगी, ये आपके इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएंगे और देखो F2 2 मोल ऑफ ClO2 और 2FClO2। अच्छा आपके पास मार्क्स की में देखेंगे 2 तरह के मैकेनिज्म लिखे होते हैं, लेकिन आसान ये होता है, आसानी बेटा इसमें होती है कि आप जो 2 रिएक्टेंट्स हैं ना उनको कंबाइन कर लो, एक इंटरमीडिएट बनाओ और अगले स्टेप में उस इंटरमीडिएट का रिएक्शन करवा दो। अब इस पर आपने देखना है जी स्लो स्टेप कौन सा है। अगर बेटा मैं स्लो स्टेप स्टेप 2 को मानू, एज्यूम करते हैं कि स्लो स्टेप अगर स्टेप 2 है, तो देखो स्टेप 2 के अंदर 1 मोल किसका इन्वॉल्व है, ClO2 का, और दूसरा क्या है जी इसमें, दूसरा इसमें क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट F2ClO2। भाई आपने इस इंटरमीडिएट को भी ट्रेस करना है कि ये इंटरमीडिएट किसने बनाया, तो आप अगर इसको ट्रेस करो तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरमीडिएट ClO2 और F2 ने बनाया, इसके भी एक एक मोल है। तो इस तरह
इस तरीके से बेटा आपको ये बात समझ आ रही है कि ये गलत होगा, क्योंकि अब CLO2 के ना दो मोल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिहाज से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड होना चाहिए था, तो इसलिए सेकंड स्टेप स्लोवेस्ट नहीं होगा आपका, आपका सेकंड स्टेप बिल्कुल स्लोवेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सेकंड स्टेप को आप स्लोवेस्ट मानते हो तो फिर आपका CLO2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दोबारा देखिए बेटा, मैंने क्या किया है, जब भी आपने मैकेनिज्म लिखना है तो आप पहले दो रिएक्टेंट्स को लिखें, F2 और CLO2, दोनों को इकट्ठा कर दें, ऐड कर दें, F2 CLO2, दिस इज इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में यूज होगा, F2 CLO2। और अब देखो अभी आपका एक CLO2 रहता है ना, तो उस CLO2 से रिएक्शन करवाओ और प्रोडक्ट इधर लिख दो, बस FCLO2। अब आपको बता दिया कि सेकंड स्टेप तो स्लोवेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड स्टेप स्लोवेस्ट होगा तो फिर आपके पास इसका एक मोल, इसका एक मोल, तो CLO2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड हो जाएगा। इसलिए अब फर्स्ट स्टेप को अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टेप के अंदर बात बन रही है, क्योंकि एक मोल CLO2 का है और एक मोल F2 का है, और यही आपको रेट इक्वेशन बता रही है कि फ्लोरीन के लिहाज से भी फर्स्ट और CLO2 के लिहाज से भी फर्स्ट। तो एक तो बेटा आपने बताना है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं स्लो स्टेप को, तो आप यहां बताओगे कि फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, और दूसरी बात वो कह रहा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो आप बताएंगे इन द फर्स्ट स्टेप 1 मोल ऑफ F2 एंड 1 मोल ऑफ CLO2 इज इन्वॉल्व एंड दीज मोल्स आर कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन, 1 मोल ऑफ F2 एंड 1 मोल ऑफ CLO2 इज इन्वॉल्व एंड दीज मोल्स आर कंसिस्टेंट विद रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के इज 1.22 अंडर द सर्टेन कंडीशन, कंप्लीट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन स्टेटिंग द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा वो तो हमने वैसे भी ऊपर लिख दिया, क्योंकि उसने हमें बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, तो वो कह रहा है जरा रेट इक्वेशन लिखें, तो रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इसकी पावर 1 होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CLO2 और इसकी भी पावर 1 होगी। अच्छा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, इनको ऐड कर दो ना, 1 + 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बड़े मैं देखिए बताएं, आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया था या नहीं किया था, ये जो मैंने आपको सेंड किया था दोपहर को, बड़े जी सर, किया था आपको कैसा लगा पेपर, मुश्किल लगा या आसान लगा? जी, सर, मुश्किल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके वो वाले वेरिएंट होते हैं ना, जो एक तो आपके वेरिएंट है 4-2, वो तो आसान होते हैं, तो आप कोशिश करें जिन बच्चों को 4-2 आसान लगता है वो 4-3 वाले वेरियंट भी जरा सॉल्व किया करें, ठीक है, क्योंकि उसके थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है ना, आपने देखा होगा थोड़ा सा चेंज होता है, जिस तरह हमने मई जून का भी जो 4-3 वाला वेरिएंट किया था वो थोड़ा सा हट के था नॉर्मल पैटर्न से। यूज योर रेट इक्वेशन इन 1, ये जी, टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ F2 एंड CL2 इज दिस, बहुत आसान है भाई, उसने के दिया बेटा आपको, के इज दिस, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1.22, उसने बताई हुई है क्वेश्चन में, और F2 की जो कंसेंट्रेशन है बेटा वो 2.00 × 10⁻³, और जो CLO2 की कंसेंट्रेशन है वो भी कितनी है 2.00 × 10⁻³। बेटा इस सारे को सॉल्व कर दो, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा आंसर बताएगा? ठीक 4.88 × 10⁻⁶। है जीटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। हाँ, अंडर द डिफरेंट कंडीशन एंड इन द प्रेजेंट, अच्छा पता नहीं आपसे ये बात बेटा पहले डिस्कस हुई है या नहीं, कि जब हम रेट, बल्कि हुई है बेटा, कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे होते हैं ना, सपोज मैंने फ्लोरीन के लिहाज से देखना है,
तो मैं दूसरे रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लूंगा ताकि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर। तो यहाँ पर वो यही बात बता रहे हैं कि वो फ्लोरीन के लिहाज से जब स्टडी कर रहा था तो उसने क्या किया कि जो दूसरा रिएक्टेंट था ना उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया। जब एक चीज आप बहुत ज्यादा एक्सेस में लोगे ना CLO2, तो ड्यूरिंग की रिएक्शन वो कम तो होगा लेकिन आपने इतना एक्सेस में लिया हुआ है कि उसका कम होना ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि CLO2 की अमाउंट तकरीबन कॉन्स्टेंट ही रही है। तो अब अगर आप CLO2 को एक्सेस में लेते हैं तो फिर रेट इक्वेशन कह रहा है इस तरह की आ रही है, रेट इज इक्वल टू K1 और F2। मतलब अब ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट, ठीक है। आपको ये बात बेटा मैं याद करवा रहा हूं कि ऐसे रिएक्शंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनके लिए आप हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं बताए आपको? अगर आपको डाटा ना गिवन हो, ग्राफ ना गिवन हो, डाटा नहीं गिवन हो और फॉर्मूला आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपने उसकी हाफ लाइफ निकालनी है, क्योंकि बच्चा फॉर्मूला बता सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा। 0.693 जी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अवर के। ये बात अब सुन लो कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनकी अगर आपने हाफ लाइफ निकालनी हो या उनकी अगर आपने रेट कांस्टेंट निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। रेट कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 0.693 अवर टी हाफ। अब देखो वो इस तरह की कुछ बात यहाँ पर कर रहा है कि दी हाफ लाइफ ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इज 4 सेकेंड, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के। अब देखो आपको अब यहाँ खुद सोचना है कि भाई उसने आपको कोई डाटा नहीं दिया हुआ तो लिहाजा ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे रेट कॉन्स्टेंट आ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 0.693, ये कॉन्स्टेंट है, और टी हाफ 0.693 बटा हाफ लाइफ कितने है जी फ्लोरीन की, 4 सेकेंड्स। और तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.173 0.173 0.173 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने आंसर देना है। तो 0.173 ये आपका आंसर आ गया, और यूनिट क्या आएगी बेटा, ये टाइम पर ना हाफ सेकेंड आएगी। पर सेकंड में आ जाएगा, ये हाफ लाइफ है, जब ये ऊपर आएगा तो ये S-1 बन जाएगा। तो ये बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफ लाइफ दिस बट दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म अंडर दिस कंडीशन इन विच स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द फ्लोरीन इज दिस। अच्छा, स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन तो उसने आपको दे दी है। ड्रॉ अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो हाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन चेंजेस ओवर द फर्स्ट 12 सेकेंड्स। आपको फर्स्ट 12 सेकेंड में बताना है कि कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, और हाफ लाइफ आपको पता है फ्लोरीन की, हाफ लाइफ कितनी है जी 4, मतलब 0.02 से ना इसको हाफ होने में, बेटा 0.02 का हाफ कितना होगा, कितना 0.0010 टाइम लगेगा इसको हाफ होने में, सर, 4 सेकेंड्स। जी। तो ये देखें, ये जरा देखिएगा, 4 सेकेंड में मैंने इसी तरह। आपको पता है ना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, ये बात पता है? यस सर, तो इसकी नेक्स्ट जो स्टॉप हाफ लेवल लाइफ इज है, 8 सेकेंड। यस हाफ लाइफ्स आर कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब 0.001 पर अगर इसको आपने हाफ करना है तो 0.0005 कहाँ आएगा बेटा, ये आएगा 0.0, ये इस, फिफ्टी ये आएगा बेटा इधर कहीं। अच्छा ये बताओ कि मैंने कहा कि हाफ लाइफ आर कांस्टेंट, हाफ लाइफ होता है कि जो आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है ना उसको आधा होने में, तो इसको 4 सेकंड लगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो 4 सेकंड है। अब इस तरह जो सेकंड हाफ लाइफ है ना, ये टी हाफ आगे सेकंड का मतलब है सेकंड हाफ लाइफ, ये भी 4 सेकंड होगी, देखो ना 4 से 8, तो ये इधर आएगा जी ऐसे, ठीक है। अब इसको मजीद हाफ करो भाई, ये तो आपका था 0.0005, अब 0.0005 को दोबारा हाफ करो 0.00025,
यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये तकरीबन इधर करके, और ये भी आपका बेटा 4 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड थर्ड हाफ लाइफ। अब बेटा आपने इसको सिर्फ प्लॉट कर देना इस तरह करके, ठीक है जी, ये प्लॉटिंग होगी तो 1 मार्क आपको इसके मिल जाएगा। अब वो कह रहा है सर कि इसमें यू जो प्लॉटिंग करनी है वो छोटे छोटे बॉक्सेस बना छोटे छोटे क्रॉसेस बनाने के बड़े बड़े। क्रॉस प्लस, आपने इस तरह का, असल में एक क्रॉस होता है ये, मैं तो बच्चों को कभी रिकमेंड नहीं करता कि ये क्रॉस लगाएं। ये क्रॉस कैम्ब्रिज भी, जो अगर आप उसकी वो पढ़े ना जो इंस्ट्रक्शन है, वो कहते हैं इस तरह का प्लस का साइन डालें। क्यों, पहले तो ये बताएं ना इस तरह का साइन क्यों वो प्रेफर करता है इसके मुकाबले में। क्योंकि वो जो डॉट है वो बिल्कुल मिडिल में आता है जो हमारा एक्चुअल पॉइंट अगर है। आप इस तरह करोगे ना, इस तरह करोगे ना तो वो लाइन के दरमियान ही आ जाएगा, ठीक है। तो बस बेटा इसको जितना स्मॉल कर सकते हैं आप उतना स्मॉल, और बड़ा बिल्कुल बारीक जो है ना पेंसिल हो, ताकि आपका ज्यादा एक्यूरेसी आए। अब वो पता है क्या कह रहा है इसमें, कि यूज योर ग्राफ इन फिगर 1.1 टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इज दिस। आपने बेटा 0.001 पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये 0.001 नजर आ रहा है ना, इस जगह पर कह रहा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, और टेंजेंट हम बेटा ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा इधर, मैं इसको जरा सेट कर लूं। मिल जाता है फिर, चलें एक मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। चलें जी इसको ड्रॉ करते हैं। ये जी बेटा आपका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आपने इसका रेट निकालना है, राइज अवर रन, तो आप कर दें रेट इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है जी आपके पास, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स टू कर लेते हैं, 0.00162, और डिवाइडेड बाय आपके पास ये 10 तकरीबन, तो ये बेटा आपके पास आंसर आएगा 1.64 × 10⁻¹ −4, ठीक है। अब बेटा इसमें ना उसने आपको रेंज दी आएगा जी बेटा, सिक्स फोर कैसे आएगा क्या चीज़, सिक्स फोर लाइक 1.64। इससे पहले तो आपने 2 लिखा ना। हाँ बेटा 2 लिखा हुआ है ना, 0.00162 है, 64 नहीं है। हाँ तो उसका आंसर 1.62 × 10⁻¹ आएगा हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर ये जो आंसर है ना, अब आप मार्क्स स्कीम में अगर चेक करेंगे ना, तो उसने आपको रेंज दी हुई है। रेंज उसने दी है आपको 1.5 से 2.0 × 10⁻⁴। तो देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेंज के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पार्ट टू। ये कितने नंबर का था जी, ये 9 नंबर का क्वेश्चन था। डिफाइन के डब्ल्यू मैथमेटिकली बाय कंप्लीटिंग द एक्सप्रेशन, तो बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन, ठीक है। और इसकी वैल्यू बेटा याद कर लें कि एट रूम टेम्परेचर 1.00 × 10⁻¹ −14। ये वाला जरा मुझे क्वेश्चन बताएं जी, कितने बच्चों ने किया, शाबाश, किसी बच्चे से हुआ या नहीं हुआ। हो गया था लेकिन काफी क्या क्या आपने, चले मुझे जरा बताएं, थिंकिंग देर प्रोसेस बाद क्या रहे।
बेटा इसमें बोले। पे हमने हमने टोटल पीएच का एक बनाया था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, और दूसरा से बात है कि इनका डिफरेंस 11 है, तो पीएच माइनस पीओएच इज इक्वल्स टू 11, तो फिर फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया था. अच्छा इक्वेशन बनाई आपने, यस अच्छा और सर, दो इक्वेशंस बनाई है ना, एक टोटल पीएच 14 इज इक्वल्स टू पीएच प्लस पीओएच, और दूसरी इक्वेशन बनाई है पीएच माइनस पीओएच इज इक्वल्स टू 11. अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ कि और की कोई अगर स्टूडेंट हो उसने क्या किया जी, तो बस एक ही बच्चे से हुआ। अच्छा देखें ठीक है आपका मेथड भी अच्छा है बेटा, अगर आप इसको ऐसे सोचें, देखें इसमें बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो आसान लगता है पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि टू सॉल्यूशंस डब्ल्यू वी एंड डब्ल्यू आर डिस्क्राइब, वी एच सी एल है, डब्ल्यू एन ए ओ एच है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एल इन वी, कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एल इन वी इज सेम एज द कंसेंट्रेशन, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि एच सी एल की कंसेंट्रेशन और एन ओ एच की कंसेंट्रेशन दोनों सोल्यूशन में सेम है, ठीक है, और याद रहे कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड, एन ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस। वो कह रहा है कि दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है लेकिन दोनों के पीएच में 11 का डिफरेंस है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन, ये बताओ कि किस कंसेंट्रेशन पर, ये बताओ कि किस कंसेंट्रेशन पर ये जो दोनों आपके एसिड और बेस है ना उनकी उनकी पीएच में 11 का डिफरेंस होगा, मतलब एक ये पहली टाइप उसने पूछा हुआ है कि आपने वो कंसेंट्रेशन बतानी है और वो कंसेंट्रेशन सेम है, एक ही कंसेंट्रेशन होगी एसिड की भी बेस की भी, लेकिन उस सेम कंसेंट्रेशन पर पीएच का 11 का डिफरेंस आना चाहिए। तो मैंने तो उसको बेटा हिट एंड ट्रायल से अगर आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा भी समझ आ जाएगा, वरना वो जो दूसरे स्टूडेंट ने बताया वो भी अच्छा मेथड है। वो ये है कि आप अगर एज्यूम करो कि दोनों की कंसेंट्रेशन 1 मोल है, सपोज 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एच सी एल और 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एन ए ओ एच। सर बेटा इस 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की आप मुझे पीएच बताओगे क्या आ रही है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन, क्या आएगी अगर आप एच आइन की जगह 1 डालते हो, क्या आएगी, 0 जीरो 0 आएगी। इस तरह जरा आप 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एन ए ओ एच की अगर पीएच निकालो तो इसमें पहले के डब्ल्यू से हेल्प ले लेते हैं। अच्छा के डब्ल्यू आपके पास 1.00 टाइम्स 10^-14, एच आइन नहीं पता और ओ एच आइन कितने होंगे भाई, 1 मोल होंगे ना क्योंकि कंप्लीट डिजोल्व हो रहा है, तो 1 1 से डिजोल्व कर इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास यही आएगा। और बेटा इसको जरा पीएच के फॉर्मूला में डालें, अब क्या आ रहा है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन 1.0 टाइम्स 10^-14, क्या आंसर आ रहा है, फोर्टीन इन दोनों की पीएच में कितना डिफरेंस है, फोर्टीन 14 थर्टीन का, होना कितना थर्टीन चाहिए 11 का, हमने कंसेंट्रेशन तो सेम रखी ना बेटा, कंसेंट्रेशन तो हमने सेम रखी, देखो कंसेंट्रेशन हमने रखी सेम 1 मोल 1 मोल, लेकिन 1 मोल अगर एच सी एल होगा तो पीएच 0 है, 1 मोल अगर एन ओ एच होगा तो पीएच 14 है, और इसमें तो 14 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी इनको डायल्यूट करना पड़ेगा ना, दोनों को क्या करना पड़ेगा डायल्यूट, तो इसका मतलब है कि ये तो गलत है जी। अब मैं थोड़ा सा ना इसको डायल्यूट करता हूँ, चले 0.1 लेके देखते हैं, 1 मिनट, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एच सी एल, तो अगर इसमें पीएच कितना होगा बेटा, फिर माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई और पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.1, तो पीएच कितनी आ रही है, वन पीएच 1 आ रही है। अगर आप लेते हो 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एन ए ओ एच, अब आप जरा बेटा चेक कीजिएगा माइनस लॉग पहले इसका आप के डब्ल्यू वाला एक्सप्रेशन यूज कर लें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एन ए ओ एच है तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच और ओ एच 1.00 टाइम्स 10^-14, एच ऐसे ही आ जाएगा, ओ एच आपके पास आ रहा है 0.1 बेटा, अब एच आपके पास बताया कितना आएगा, 1.00 टाइम्स 10^-13 और पी एच आएगी आपके पास 13, अब बताएं जी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 12 का 12 आ रहा है, आना कितने का चाहिए, 11
देखो मेरी बात सुनो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं अगर बार बार कंसंट्रेशन को चेक करता रहूं तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या काम? ये तो मुश्किल हो जाएगा भाई, मैं बार बार कभी इसको बढ़ाऊं कभी इसको कम करूं, ये तो मुश्किल है। तो अब मैं इस तरह करता हूं कि अब देखो इसमें डिफरेंस जो है ना, इस टाइम आपको नजर आ रहा है 12 का, लेकिन आना चाहिए 11 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे डिफरेंस अगर कम करना है तो दोनों के सोल्यूशन थोड़े डाइल्यूट होने चाहिए, है ना? दोनों के सोल्यूशन डाइल्यूट करूंगा तो डिफरेंस कम होगा ना, बताओ। अच्छा, जब मैं दोनों के सोल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो एसिड की पीएच बढ़ेगी। जब मैं HCl का बेटा सोल्यूशन डाइल्यूट करूंगा तो एसिड की पीएच बढ़ेगी। जब मैं NaOH के सोल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो जो NaOH की पीएच है वो कम होगी। तो अब इस तरह करते हैं, अब सोल्यूशन को हम नहीं देखते, कंसंट्रेशन को छोड़ें, अब हम पीएच के साथ जरा वर्किंग करते हैं। बेटा आप ये चाहते हैं कि 11 का डिफरेंस हो। अगर मैं पीएच यहां से कर दूं 1.1 और यहां से कर दूं 12.9, कितने का डिफरेंस आ रहा है अब? 11.8 नहीं, ये तो बात नहीं बन रही। कितना करूं, जरा गेस करें कितना होना चाहिए ताकि 11 का डिफरेंस आ जाए? 1 and 12 अगर 1.5 करता हूं इसकी, 12.5 करता हूं इसकी, तो अब जरा हम चेक करते हैं भाई, अगर 1.5 पीएच एचसीएल की हो और 12.5 पीएच एनएओएच की हो तो अब इसमें 11 का डिफरेंस है, ठीक है? और जरा यहां पर इसकी कंसंट्रेशन निकाल कर देखते हैं कि दोनों की क्या सेम कंसंट्रेशन आ रही है या नहीं आ रही। दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। चलें अभी चेक कर लेते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आई। पीएच अगर आप 1.5 लें, माइनस लॉग एच आई, एंटी लॉग ले लो, एच आई पता चल जाएंगे। एच आई बताओ कितने आ रहे हैं, इसका एंटी लॉग लो जल्दी से। 0.0316 जी 0.0316। अच्छा अब जरा उसकी भी चेक करते हैं, पीएच इज इक्वल टू ये जो NaOH है ना आपके पास, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आई और ओ एच आई। ठीक है बेटा, अब NaOH की हम चेक करते हैं, इसकी पीएच हमने लिखी थी 12.5, तो 12.5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आइन। बेटा यहां से जरा एच आइन पहले निकालो, बताओ एच आइन कितने आ रहे हैं, 3.16 × 10⁻³¹⁰ -13। अब पता क्या होगा, अच्छा यहां पर मैंने अभी आपको एक स्टेप नहीं कराया भाई, HCl की ये आपके पास एच आइन आए थे ना, तो अगर आपके पास एच आइन ये आ रहे हैं 0.0316, तो HCl भी 0.0316 आएगा क्योंकि 1:1 रेशियो है। अब आपके पास NaOH के केस में पीएच 12.5 थी, तो 12.5 से मैंने एच आइन निकाल लिए। एच आइन आप लोगों ने कहा है 3.16 × 10⁻³¹³। अब इस तरह करते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन, और के डब्ल्यू आता है 1.0 × 10⁻¹⁴ इज इक्वल टू एच आइन आपके पास आ रहे हैं 3.16 × 10⁻³¹³, और ये ओ एच आ जाएंगे ऐसे। और अगले स्टेप में आप इसको डिवाइड कर दो, 1.00 × 10⁻⁴, 3.16 × 10⁻³¹, और ये ओ एच आ गया। और बेटा ओ एच अब आप जरा सॉल्व करें, ओ एच कितना आ रहा है, कंसेंट्रेशन ओ एच की 0.0316 0.0316, और ओ एच की ये है तो एन ओ एच की भी यही होगी क्योंकि 1:1 आपके पास रेशियो है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पीएच पर देखो HCl की कंसेंट्रेशन भी 0.0316 और NaOH की कंसेंट्रेशन भी 0.0316 है, ठीक है? दोनों की सेम कंसेंट्रेशन है, और इस सेम कंसेंट्रेशन पर जो पीएच का डिफरेंस आ रहा है वो भी 11 आ रहा है, क्योंकि एसिड की 1.5 और बेस की है 12.5 पीएच। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन आपने बतानी है 0.0316। सर जी बेटा, सर दूसरा मेथड बता दें सर हम pHs 1 and 12 नहीं ले सकते, पीएच क्या ले सकते हैं बेटा? वन एंड ट्वेल्व ठीक है, उसका वन और डिफरेंस ट्वेल्व, अलग है। एक मिनट, 1 और 12 अगर लें तो क्या कंसंट्रेशन सेम आ रही है? तो मैंने ट्राई नहीं किया, बस मैं बोल नहीं रही बेटा, थी। कंसंट्रेशन सेम नहीं आएगा ना, चेक करके देखिए जरा, चेक करके देखिएगा, क्योंकि अभी
इस पे मैंने वैसे इतना टाइम लगा दिया। आप इस तरह करें बेटा, ये एक स्टूडेंट कह रही है कि अगर आप एसिड की पीएच ले लें 1 और बेस की पीएच ले लें 12, इसमें डिफरेंस तो 11 का आ रहा है, ठीक है मान लिया, लेकिन डिफरेंस के साथ कंसेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। देखो हमने जो यहाँ पर 11.5 का डिफरेंस लेकर आए, हम यहाँ जो 11 का डिफरेंस लेकर आए हैं, उस डिफरेंस की बेस पर जब हमने कंसेंट्रेशन निकाली है एसिड की और बेस की, वो सेम आई है। फिर अगर कोई बच्चा जल्दी से निकाल ले, अगर कोई बच्चा जल्दी से ये कैलकुलेट कर ले कि अगर एसिड की पीएच 1 हो और बेस की पीएच 12 हो, तो क्या दोनों की कंसेंट्रेशन सेम होगी या नहीं होगी, जल्दी से अगर कोई बच्चा निकाल ले भाई। हरी अब Now for the कोई बच्चा first सॉल्व, one, it is 0.1 for pH 1, नहीं and for pH 12 it is 1 × 10⁸. तो सेम आ रही है या नहीं आ रही? हाँ सेम नहीं आ रही ना, तो बस बेटा फिर इसका मतलब ये ठीक नहीं होगा, तो आपको पीएच सेम रखनी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आए, नेक्स्ट पार्ट देखें। कह रहे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू सॉल्यूशंस वी एंड डब्ल्यू आर मिक्स गिविंग सॉल्यूशन एक्स, नेम द सॉल्यूशन एक्स एंड स्टेट इट्स पीएच। देखिए V क्या है आपका, HCl है, W आपका NaOH है, इसको आप मिक्स कर रहे हैं तो आपके पास NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, तो सॉल्यूशन X आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन X में आपके पास सोडियम क्लोराइड होगा और पीएच क्या होगी जी इसकी, क्योंकि आपको पता नहीं न्यूट्रल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल ऑफ 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रिक एसिड इज एडेड 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन एक्स फॉर्मिंग द मिक्सचर वाई, ठीक है। अब ये जो बेटा आपके पास सॉल्यूशन एक्स था ना NaCl का, इसके अंदर उसने नाइट्रिक एसिड ऐड किया है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और मिक्सचर वाई बना है। और इसी तरह जो आपके पास सॉल्यूशन एक्स था ना NaCl का, उसके अंदर उसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है और मिक्सचर जी बना है। वो कह रहा है एस्टिमेट दी मिक्सचर्स ऑफ वाई एंड जी, नो कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। तो लेकिन मेरा ख्याल है बेटा अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, वरना आप कितने बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि जी भाई आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं NaCl में, NaCl तो वैसे पीएच 7 होती है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे मुझे प्रिडिक्ट करके बताएं क्या पीएच होनी चाहिए वाई की स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने। थ्री वन टू टू लोअर नहीं, होना जीरो चाहिए। क्यों नहीं, नहीं जीरो क्यों नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो जीरो भी होता है या नहीं होता? वन होता है सर, होता अच्छा जीरो नहीं होता, देन सर ओएच भी तो होंगे कुछ। नहीं, अगर किसी एसिड की कंसेंट्रेशन 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है भाई, 1 मोल पर क्यूबिक आपके पास डेसीमीटर HCl है, इसकी जरा पीएच निकालो क्या आती है, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, जीरो तो जीरो जीरो आती है ना भाई, तो कितने बच्चे हैं जो मिक्सचर वाई में जीरो लिखेंगे, कुछ हो सकते हैं ना जीरो लिखें। इसी तरह मिक्सचर जी है, मिक्सचर जी जिसमें आप KOH डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, बेटा कितने बच्चे हैं जो इसमें अगर आप 1 मोल KOH की जरा निकालें पीएच क्या आती है, 1 मोल KOH की 13 14 14 आ रही है ना। हाँ जी बेटा 1 मोल KOH की पीएच कितनी आ रही है, 14 नहीं आ रही क्या? 14 14 सर। हाँ तो फिर तो आप यहाँ क्या लिखेंगे आप मिक्सचर वाई और जी में, 0 and 14 नहीं अब 0 14 लिखेंगे तो गलत होगा। अब देखिए ना आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं थोड़ी सी अगर लिखते करनी वाई है, के लिए क्या क्या लिखेंगे बेटा वाई में, वन क्यों 1 1 कैसे आपके जहन में आया, 0 क्यों नहीं लिखेंगे? सर 0 मुझे नहीं लगता था इसमें लिखेंगे सर, ना। उन दोनों का सर मीनिंग जैसे नहीं। वॉल्यूम चेंज हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखें असल में आपने ये किया है, जरा नाइट्रिक एसिड को देखिएगा, पर आपके पास ना जो कंसेंट्रेशन है वो ये है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल है भाई, 1 मोल ना, लेकिन आपने कितना डाला है भाई उसमें सॉल्यूशन एक्स में, आपने कितना वॉल्यूम डाला है, 100
वन क्यूबिक सेंटीमीटर भाई। नाइट्रिक एसिड का कितना वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन एक्स में डाला है? वन वन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वन क्यूबिक सेंटीमीटर में एच एन ओ थ्री के कितने मोल आएंगे? एक्स आएंगे ना, तो यहां से जरा एक्स निकालो, 1 मिनट, एक्स क्या आएगा? एक्स क्या आ रहा है जी? 0.001। बेसिकली आप ये मोल्स ऐड कर रहे हो, बेसिकली आप ये मोल्स ऐड कर रहे हो नाइट्रिक एसिड के। जरा इसकी पीएच निकालो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 0.001। जरा इसकी निकालो पीएच क्या आएगी? हाँ, तो आपने क्योंकि उसने कहा कि आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपने एस्टिमेट बताना है, लेकिन जीरो बेटा इसलिए नहीं आ सकती ना, जीरो का मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, इसलिए नहीं आ सकती। जीरो उस वक्त आती है कि अगर आपका जो एसिड है ना वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, तो अच्छा खासा डाइल्यूट है भाई। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास क्या है? वाटर है, और उसके अंदर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर मिक्सचर वाई में 3 लिख दो, 3। और इसी तरह मिक्सचर जी भी आप बेटा इसी तरीके से निकाल सकते हो कि 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 मोल आ रहे हैं, लेकिन आप तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डाल रहे हो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आएंगे उसके 0.001 मोल ऑफ ओएच आयन, इतने आप ऐड कर रहे हो बेटा। तो बताओ जरा इसकी अगर पीएच निकालो तो क्या पीएच बनेगी 0.001 की? 11। 11 के आसपास। तो देखिए उसने आपको जो रेंज दी हुई है ना, अगर आप मार्क्स की में देखिए, उसने जो आपको रेंज दी है वो आपको दे रहा है 1 to 3 एंड 11 to 13। 1 से 3 के दरमियान कुछ भी लिख दें और 11 से 13 के दरमियान आप कुछ भी लिख दें, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे कि प्रोपानोइक एसिड है आपके पास, क्लोरो प्रोपानोइक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, आर ऑल एसिडिक, सजेस्ट द ट्रेंड इन द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ 3 कंपाउंड्स, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको पता है कि जब भी, अच्छा पहली बात तो ये है कि ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है ना, या तो आपको पता है दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ये फुली डिसोसिएट होगा ना, H2SO4 फुली डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों में जरा बताइएगा, ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? तो आपने दो बातें ध्यान में रखी, क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड सेकंड वाला। बेटा इसमें आप लोगों को, मेरे ख्याल है पहले भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन किए हुए हैं कि ओएच बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखना है आपने, ओएच बॉन्ड कहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो यहाँ पर क्लोरोप्रोपानोइक एसिड है ना, इसमें क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये ओएच बॉन्ड को वीकन कर रहा है, और ओएच बॉन्ड वीक हो रहा है इस क्लोरीन की वजह से। इसकी वजह से आप कहेंगे कि जब ओएच बॉन्ड वीक होगा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि आसानी से एच आयन को रिलीज करेगा, तो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा आपका CH3। अच्छा ये डाई क्लोरो है बेटा, इसमें एक क्लोरीन नहीं दो है, डाई क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, CH3 CCl2COOH, और फिर आएगा सर आपके जितना पास, वीक एसिड होगा उतना ही सॉरी जितना वीक ओएच बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो इतना रेडिली एच आयन डोनेट करेगा। अच्छा अब देखें इसकी एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले तो आप H2SO4 की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ही देंगे, क्योंकि ये फुली डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन इन H2SO4, हेंस स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आ जाते हैं बेटा इन दो के ऊपर, आप लोगों ने ऐसे तो खुद ही बता दिया है, लेकिन दो बातें लिखनी होती है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो बातें आपने लिखनी है। जब भी आप एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं ना, तो पहली बात आपने ये लिखनी होती है कि OH बॉन्ड यहाँ पर वीक है, ठीक है, टू क्लोरीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं, वीकेंस दी OH बॉन्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद क्या लिखेंगे जी? एक तो आपने लिख दिया कि दो क्लोरीन्स की OH बॉन्ड को वीक कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, उसके बाद एक और पॉइंट भी लिखते हैं, बोले सीएल टेक्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। नहीं, उसके बाद ये लिखेंगे
कि वंस द ओएच बॉन्ड इज ब्रोकन, अब जब एक दफा ओएच बॉन्ड टूट गया है ना, तो ये जो नेगेटिव आयन बना है, अब ये कौन सा नेगेटिव आयन स्टेबल होगा? क्या ये प्रोपानवेट का नेगेटिव आयन स्टेबल होगा या डाइक्लोरोप्रोपानवेट का नेगेटिव आयन स्टेबल होगा? देखें, आपने देखना होगा नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। ये बताओ कहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, डाइक्लोरोप्रोपानवेट में या प्रोपानवेट में? डाई क्लोरो में सर। डाइक्लोरोप्रोपानवेट में नेगेटिव चार्ज कम है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसके लोन पेयर को और इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये आयन थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज को दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल होने की तरफ जा रहा होता है, वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को मजीद बढ़ाएगा और इसको अनस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ ये लिखेंगे बेटा कि टू वंस दी ओ एच बॉन्ड इज ब्रोकन टू क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज दी एनाइन। ठीक है, तो ये दो क्लोरीन्स हैं, ये आपके एनाइन को स्टेबलाइज करेंगे। और यहाँ क्या होगा, प्रोपानोएट में क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा है ना, तो ये क्या यार, करेगा भाई, ये रेडिली प्रोटॉन गेन कर लेगा। जी बेटा, हम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में नहीं कह सकते कि चार्ज डेंसिटी कम होगी, ऑब्वियसली वो प्रोटॉन रेडिली एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं, स्टेबिलिटी की बजाय। कह सकते हैं बेटा, बहुत सारे ऑप्शन है। आप स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपने वाटर में ऐड किया, तो देर आर थ्री कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस, राइट द फॉर्मूला ऑफ दीज थ्री कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखें, ये जी H2SO4, इसको आपने डाला वाटर में, पहले तो ये हुआ कि H3O+ बना और HSO4 1- बना, पर ये होगा ना, पहले स्टेप में यही होगा ना, एक एच आ गया। तो बताएं जी इसमें, अच्छा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पता है क्या होता है, जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, ये H2 और H3O+, इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो आपके पास ये एक, इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है ये बता देंगे H2O और H3O+ में। H3O+ is the acid and HSO4 is the base. H3O+ और H2O, क्योंकि देखो ना, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये देखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें ये एसिड है, ये बेस है। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखें, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक तो ये हो जाएगा जी, ये क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ना एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, तो H2O और H3O में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है ना। देखो वाटर क्यों बेस है, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखेंगे तो वाटर इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, और H3O क्यों एसिड है कि अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखो तो बैकवर्ड रिएक्शन में H3O+ इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। अच्छा अब आगे चलते हैं, सर H2SO4 और HSO4 1- भी लिख सकते हैं वाटर की बेटा बजाय। दूसरा पेयर लिख रहे हैं, दूसरा वही उसी की बारी है। अब देखो दूसरा ये, आप क्योंकि आपको तीन लिखने हैं अभी भाई, एक ये देखो जरा इसको और एक इसको देखो, तो आपके पास एक आ जाएगा H2SO4 और दूसरा आ जाएगा HSO4 1-। तीसरा कौन बताएगा जी, तीसरा तीसरा क्या होगा भाई? हाँ जी बेटा, H+ सर H3 H4 माइनस एंड SO4-. ये कैसे, ये कहाँ पे है? चलिए सर एज्यूम क्या, ये SO4 वन, सर, 3O+ और SO4-। नहीं बेटा, अब ये होगा, एक एक बच्चे ने ठीक बताया, ये जो HSO4- है भाई, ये फर्दर भी तो आयोनाइज होगा ना, ये देखो ये जो HSO4- है फर्दर भी तो आयोनाइज होगा और ये बनेगा। अब जरा फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन एसिड है, HSO4- इज एसिड, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन को आप देखो तो SO4 2- इज अ बेस, SO4 2- बेस है क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। तो अब आपके पास एक ये बनेगा H SO4 H SO4-1,
सर दोनों ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। नहीं दोनों कहां से कर रहे हैं भाई, एच एस फोर, ये इसको देखे ना बेटा, इस रिएक्शन को देखे ना, इसमें एच एस फोर माइनस वन डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, तो ये एसिड होगा ना, हाँ जी बेटा जल्दी से बताएं ताकि मैं आगे चलूं। जी सर अच्छा और दूसरे केस में SO4 टू माइनस को देखो कि बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, देखो SO4 टू माइनस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर HSO4 माइनस वन बनेगा, तो SO4 टू माइनस इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, तो ये बेस होगा, और दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, ये बात ध्यान में रहे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पार्टीशन कॉफिशियंट ऑफ अ सब्सटेंस क्यू बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर इज 7.84 एट 298 केल्विन, क्यू इज मोर सॉल्युबल इन हेक्सेन देन इट इज इन वाटर, डिफाइन पार्टीशन कॉफिशियंट। बड़ा पहली बात तो जेन में रहे कि पार्टीशन कॉफिशियंट केपीसी एक रेशियो है कि आपका एक सॉल्यूट जो है ना, एक सॉल्यूट जिस तरह यहाँ पर क्यू है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, ठीक है, तो क्यू कितना हेक्सेन में डिजोल्व हुआ, कितनी रेशियो उसकी वाटर में गई, दैट इज केपीसी। तो केपीसी क्या है इन शॉर्ट, आप इक्विलिब्रियम पर ये देखते हैं, इक्विलिब्रियम आप ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ क्यू इन वाटर और अमाउंट ऑफ क्यू इन हेक्सेन, तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स एट इक्विलिब्रियम, ई क्यू पूरा लिखेंगे आप स्पेलिंग, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट, अच्छा क्या बताएं ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया जी, ये क्वेश्चन सॉल्व किया किसी बच्चे ने केपीसी में ना, केपीसी में आप लोगों को जो प्रॉब्लम आता है, मुझे ये बताएं क्या ये मैटर करता है केपीसी के अंदर कि आपने जिस तरह इसमें होता तो ये है ना, ये आपके पास सेपरेटिंग फनल है और ये बेटा आपके पास क्यू है इन वाटर और ये है जी आपके पास क्यू इन हेक्सेन। अब मैंने केपीसी लिखना है बेटा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इन हेक्सेन ऊपर लिखूं या कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इन वाटर ऊपर लिखूं, क्या चीज ऊपर लिखूं मैं? सर मर्जी होती है, लेकिन बेहतर ये होता है कि रेशो सही इसकी ज्यादा हो वो ऊपर लिखे, जो चीज क्या ऊपर हो बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मर्जी होती है। जी, ये मैटर नहीं करता बेटा, मैटर क्या करता है सुन लो, मैटर ये करता है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब क्यू इन हेक्सेन जो है, जो हेक्सेन का वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर रखा हुआ है तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में होना चाहिए, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप ऊपर क्या ले रहे हैं और नीचे क्या ले रहे हैं क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, तो ये आप जो कंसेंट्रेशन है ना इसको जहां मर्जी लिखें, हेक्सेन को ऊपर लिखें या वाटर को, ये मैटर नहीं करेगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये देखें यहां पर ना एक और प्रॉब्लम ये है कि उसने ये नहीं बताया हुआ कि ये 5 ग्राम पहले किस में था, क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ रहा है कि ये 5 ग्राम पहले किस में था और फिर किस में गया, हाँ जी बेटा नहीं नहीं, तो इसलिए अब आपकी मर्जी है, बिल्कुल आप यहाँ पर बड़े इत्मीनान के साथ जो मर्जी चीज ऊपर रखें, तो केपीसी दिख, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, केपीसी इज इक्वल टू, केपीसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू इन हेक्सेन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू इन वाटर। अब देखिए जी ये केपीसी जो है इसकी वैल्यू जो है ना उसने हमें दी हुई है 7.84, कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू इन हेक्सेन ये आपको नहीं पता भाई,
अब मैं ये एज्यूम कर लूं कि एक्स एक्स ग्राम है, बताएं। फिर वाटर में कितना बच जाएगा, 5 माइनस एक्स। सर हेक्सेन की 5 है। एक मिनट, अगर कोई बच्चा इससे एग्री नहीं है वो कहेगा सर आपको क्या पता जी 5 ग्राम क्या पता हेक्सेन में होता और वाटर में एक्स, तो आप वो लिख लें भाई, वो अलाउ कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है ना 7.84 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस एक्स हेक्सेन में गया और एक्स वाटर में, तो ये भी अलाउ कर रहा है भाई, आपकी मर्जी है। क्योंकि उसने अभी बताया नहीं आपको कि ओरिजिनली 5 ग्राम किस में था, उसने नहीं बताया ना, तो इसलिए अब आप बेटा यहाँ पर आपकी मर्जी है। लेकिन हम इस तरह कर रहे हैं, मैं फिलहाल इस क्वेश्चन में ये कर रहा हूँ कि एक्स ग्राम आपका क्यू हेक्सेन में गया और जो बच गया ना टोटल 5 था, 5 में से एक्स ग्राम हेक्सेन में चला गया, तो जो बचेगा वो वाटर में, तो जो बचेगा उसको मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस एक्स ग्राम। अच्छा देखो क्योंकि वॉल्यूम सेम है ना, तो वॉल्यूम में अगर लिखूंगा भी तो वो कट हो जाएंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरली मैं इस क्वेश्चन को इस तरह करता हूँ कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर आप ओपन करें ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कट हो जाएगा क्योंकि दोनों 100 है, तो आपके पास मैसेज ही बचेंगे। अब आप इस तरह करें बड़ा, एक्स की वैल्यू निकाल लो बस, और एक्स याद रखिएगा कि एक्स क्या है, जो आपने फॉर्मूला बनाया उसके अकॉर्डिंग एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इन हेक्सेन है। तो अब बेटा आप 7.84 इनटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, पर इसको जरा मल्टीप्लाई करके बच्चा करेगा 7.84 टाइम्स 5 39.2 और माइनस 7.84 एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाली वैल्यू जो इकट्ठी कर लें 39.2 इज इक्वल टू 8.84 एक्स, और बेटा एक्स आपके पास आएगा 39.2 डिवाइडेड बाय 4.43 ये आ रहा है 4.43 ग्राम्स, ये एक्स आ रहा है भाई। एक्स क्या था, एक्स आपने क्या लिया हुआ था, मास ऑफ क्यू इन हेक्सेन है राइट, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हेक्सेन में एक्स कितना गया 4.43, तो वाटर में कितना बच गया बोलो, 5 माइनस 4.43 करो 0.57 आ गया, ठीक है। अब बेटा इतना करते हैं, अब अगला पार्ट देखें, अ सैंपल ऑफ क्यू, अच्छा देखें अगर आप इसको फ्लिप करते हैं ना, अगर कोई बच्चा इससे एग्री नहीं है वो इसको फ्लिप कर ले, तो वो आप देखेंगे मार्क्स स्कीम में उसने अलाउ किया हुआ है, उसने दोनों आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्स 4.43 भी लिखा हुआ है और उसने एक्स ये भी लिखा हुआ है, मतलब मास ऑफ क्यू 4.43 भी है और उसने कहा हुआ है कि मास ऑफ क्यू आपका 0.5656 भी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, अ सैंपल ऑफ क्यू इज शेकन विद अ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड हेक्सेन एंड लेफ्ट अंटिल नो फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन, इट इज फाउंड दैट मास ऑफ क्यू डिसॉल्व इन ईच सॉल्वेंट इज सेम। हाँ अब बेटा देखो वही क्यू है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हेक्सेन था ना और जो वाटर था वो उसने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है, लेकिन नीचे उसने डिफरेंट मिक्सचर लिया है भाई, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड हेक्सेन लिया है, ठीक है। सेम नहीं, हमें नहीं पता सेम लिया या नहीं, लेकिन ये वॉल्यूम नहीं लिया उसने, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड हेक्सेन है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा है, कह रहा है इट इज फाउंड दैट मास ऑफ क्यू dissolved in each solvent is the same. तो इसका मतलब है कि अब water और hexane same तो नहीं है ना, क्योंकि जब बेटा उसने same लिया था ना, जब volume same लिया था, तो Q आपका equal dissolve नहीं हुआ, लेकिन अब वो कह रहा है कि Q आपका equal dissolve हुआ है, तो बताओ volume कितना कितना लिया होगा, बताएं जी कैसे करेंगे अब इसको। पहले question समझ आ गया मुझे, ये बताएं question समझ आ गया sir, mass over volume करके? नहीं नहीं पहले मुझे कोई बच्चा क्वेश्चन समझा दे अगर, ये कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बेटा, सर वापस समझा दे। सॉल्वेंट्स के वॉल्यूम्स पूछ रहा है, जब उसने हमें मास बताया हुआ है। मास कहाँ बताया हुआ है, मतलब उसने कहा कि मास सेम है दोनों में, वॉल्यूम बताओ। अब जरा देखें, अब देखिए इस तरह करते हैं हम, क्योंकि इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे बेटा, इसी को ही। केपीसी कितना था 7.84, उसने कहा भी है यूज केपीसी वैल्यू,
पर इसको जरा ओपन कर लो ना, कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू इन हेक्सेन, तो ये बनेगा मैस ऑफ क्यू इन हेक्सेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन डिवाइडेड बाय, पर इसको फ्लिप करके लिख दूं आपको अगर प्रॉब्लम ना हो, नहीं वॉल्यूम सर, ऑफ लिख वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और मैस ऑफ क्यू इन वाटर, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैस सेम है, मैस क्या है, सेम है, तो ये मैस मैस से कैंसिल हो जाएगा। यस इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज दिस, वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन इज दिस, कि जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो 7.84 टाइम्स मोर होगा, किसके मुकाबले में, हेक्सेन के मुकाबले में। तो आपको सिर्फ लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 7.84 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अगर कोई बच्चा ये वैल्यू नहीं लिखता लेकिन रेशियो यही होती है, मतलब वो लेता है 78.4 और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो भी ठीक होगा। सिर्फ आपको ये बताना होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 7.84 टाइम्स मोर देन वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन। देखिए ये कॉमन सेंस भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसने कहा था कि क्यू जो है ना मोर सॉल्युबल है इन हेक्सेन देन वाटर, क्यू ज्यादा सॉल्युबल हेक्सेन में, कम सॉल्युबल किस में है भाई। वाटर में। तो भाई अगर वाटर में कम सॉल्युबल है तो आपको वाटर का ज्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, अगर आपने इक्वल इक्वल डिजोल्व करवाना है, या नहीं। सही है। यस सर, हाँ यस सर, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि क्यू जो है वाटर में कम सॉल्युबल है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्यू को आपने दोनों में इक्वल डिसॉल्व करवाना है, तो अगर इक्वल डिसॉल्व करवाना है तो आपको वाटर का वॉल्यूम ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यू वाटर में सॉल्युबल कम होता है, तो अगर इक्वल डिसॉल्व करवाना है तो यू नीड मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसलिए आपके पास 7.84 टाइम्स मोर वाटर है। अब आगे देखें, क्यू इज मोर सॉल्युबल इन हेक्सेन देन इन वाटर, इट इज सजेस्टेड दैट क्यू इज वन ऑफ केसीएल। अच्छा केसीएल अगर होता ना क्यू, तो इसने फिर वाटर में ज्यादा डिजोल्व होना था, राइट, क्योंकि वाटर इज पोलर, केसीएल आपका आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा एच सी डबल ओ एच, ये देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और दूसरा है CH3, CH2, 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 CH2OH। ये बताओ इसमें ज्यादा पोलर कौन है या ज्यादा नॉन पोलर कौन है, इन दोनों कंपाउंड्स में नॉन पोलर ज्यादा कौन है। जी बेटा कौन ज्यादा नॉन पोलर, एल्केन जी क्योंकि इसमें बेटा देखिए ना और ये जो अल्काइल चेन है ना ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता ना, नॉन पोलर तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, और इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू जो होगा ना ये होगा ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला जो है अल्कोहल, क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन अल्काइल की है और वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो क्यू इज CH3 CH2 4OH, और इसकी रीजन ये बताओगे कि इट इज लीस्ट पोलर, ये कम पोलर है। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर, हाइड्रोजन आपने परोक्साइड केसीएल की क्या एक्सप्लेनेशन दी? किसकी बेटा, केसीएल केसीएल इज आयोनिक कंपाउंड, पोलर भी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बेटा पॉजिटिव को वाटर सराउंड करेगा ना, जब पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डालोगे तो वाटर का जो ऑक्सीजन है ना स्लाइटली नेगेटिव, वो के प्लस के साथ आयन डायपोल फोर्स बनाएगा। हेक्सेन में तो कोई इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नहीं होता, तो वो केसीएल को कैसे डिसॉल्व करेगा। देखो ना केसीएल एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए यू नीड पोलर सॉल्वेंट, ये होता है ना ओके पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर आपने इसका बॉन्ड तोड़ना है ना तो आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा जिसके अंदर अपने चार्जेस हो, ताकि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है के को अपनी तरफ खींचेगा, ताकि इसका लैटिस टूटे, तो हेक्सेन में तो इस तरह के कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज लिक्विड एट 298 केल्विन, इट इज मॉडरेटली स्टेबल अंडर द रूम कंडीशन बट विल डिकम्पोज क्विकली इफ अ कैटलिस्ट इज एडेड। तो आप इसमें एंट्रोपी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, बेटा ये कल भी हमने डिस्कस की थी के मेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, मेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है।
इनर सिस्टम और आउटर सिस्टम में फर्क है? बेटा मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फर्क है, एक ही बात है, या ओके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। अच्छा, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन वन। देखें आप इस रिएक्शन को पॉजिटिव. अगर आप, इसमें ना लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रही है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, डिसऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि एंट्रोपी या साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और रीजन आप ये कहेंगे कि आपके पास जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पर था ना, तो उससे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ठीक है। वन मोल ऑफ गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से बेटा गैस बने, अच्छा अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें वो बॉन्ड, अच्छा इसमें जो मेन चीज वो आपसे पूछना चाह रहा है ना, सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि बच्चों को हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता है या नहीं पता। आप ये देखें कि जो H2O2 होता है ये इस तरह होता है, ऐसे लीनियर तो नहीं, लेकिन मैं आपको बॉन्डिंग दिखा रहा हूं, इस तरह कर लें, बॉन्डिंग इस तरह होती है जी H2O2 की, ठीक है। तो यूज द डेटा इन द टेबल टू शो द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस। आपने करना क्या जी इसमें, अच्छा आपने शो करना है कि एंथैल्पी चेंज ये आ रही है, ठीक है। पर जब भी बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको इस तरह ओपन करके लिखा करो, ताकि आपको बॉन्ड्स काउंट करना आसान हो जाए। ऐसे जी, अब देखिएगा, डेल्टा एच निकालने, एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी टेकन इन, बट आपको ये बॉन्ड तोड़ने हैं कौन कौन से, एक तो OH बॉन्ड तोड़ना है 460, और ये कितने दफा टूट रहा है, 1 2 3 4, चार OH बॉन्ड टूट रहे हैं, जरा ध्यान से कीजिएगा ये, और दो बॉन्ड टूट रहे हैं O सिंगल बॉन्ड O, तो ये 150 वाला बस खत्म हो गया ना, माइनस एनर्जी गिवन आउट, OH बॉन्ड बन रहे हैं बेटा 1 2 3 4, चार OH के बॉन्ड बन रहे हैं और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है, बट इनकी आप वैल्यूज पुट कर दे और आंसर निकालें बेटा। OH का है 460, 300, जी बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका, करेंगे जरा, डेल्टा एच क्या आ रहा है, -196. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी देखें, इस तरह के क्वेश्चन में से बहुत कम वो पूछता है, जनरली जब उसने आपसे एंट्रोपी पूछनी होती है तो आपके एंट्रोपी की वैल्यूज देता है, लेकिन यहाँ पर उसने ये किया है कि आपको डेल्टा जी दे दिया है, डेल्टा एस दे दिया, और कह रहा है कि आप यहाँ पर एंट्रोपी निकालें, तो सम स्टैंडर्ड एंट्रोपीज आर शोन इन टेबल 3.2, दिस एंथैल्पी चेंज एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन। देखिए जी इसमें आपको ऑक्सीजन की एंट्रॉपी निकालनी है, राइट, बाकी एंट्रॉपीज उसने दी हुई है। सबसे पहले ये देखें कि एक जो एंट्रॉपी का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रॉपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रॉपीज ऑफ रिएक्टेंट, ये जी ठीक है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें तो वाटर की एंट्रोपी है, ऑक्सीजन की नहीं है, H2O2 की है,
तो लिहाजा बेटा आप ऑक्सीजन की एंट्रोपी नहीं है ना आपके पास, तो इसलिए, और आपके पास टोटल ये एंट्रोपी ये भी नहीं है ना, चेंज इन एंट्रोपी, तो दो चीजें आपके पास नहीं है, तो लिहाजा ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। अब इस फॉर्मूले से हेल्प लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। डेल्टा जी आपको पता है ना गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये कितनी है जी, उसने आपको दी हुई है -138। डेल्टा एच कितनी दी हुई है, -196। माइनस टेम्परेचर कितना दिया हो भाई, जरा टेम्परेचर बताएगा कोई बच्चा, कितना टेम्परेचर, 293 केल्विन, कैसे पता 298 स्टैंडर्ड, 298 केल्विन। बेटा? इसने स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट लिखा हुआ है, नॉट, तो इसका मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री या 298 केल्विन। यस जी, अब इस तरह करें, -238 +196 इज इक्वल टू -298 इंटू डेल्टा एस। और बेटा इससे आप जरा इसको सॉल्व कर लें, जीरो पॉइंट वन फोर जीरो डेल्टा एस बेटा आपके पास आ जाएगा 42/298, और कितना आप कह रहे हैं, 0.141। वन फोर अच्छा अब बेटा देखें, मुझे कौन बच्चा बताएगा ये किस यूनिट में आ रहा है? किलो जूल मीटर पर केल्विन। किलो जूल पर मोल पर केल्विन। जी शाबाश। तो अब बेटा आपने, क्योंकि एंट्रोपी निकालनी है ना, आपको पता है किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब आपको पता है एंट्रोपी तो जूल्स पर केल्विन पर मोल में होती है, तो लिहाजा किलो को खत्म करें यहाँ पर, क्योंकि बेटा डेल्टा जी किलो जूल्स में था ना, डेल्टा एच भी किलो जूल्स में था, तो इनकी वैल्यूज किलो जूल्स में थी, तो अब आपको किलो को खत्म करना है, क्योंकि एंट्रोपी जूल्स पर केल्विन में होती है, तो लिहाजा क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 141 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब देखिए जी, डेल्टा एस आपके पास आ गया, अब ये फॉर्मूला यूज हो सकता है ना, डेल्टा एस आपके पास आ गया। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू जो एंट्रोपी समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एस कितना है, 141 प्लस 31 141 प्रोडक्ट जो है ना बेटा, वाटर है आपके पास, वाटर की एंट्रोपी 70 है फॉर पर मोल ना, लेकिन दो है तो 2 × 70 हो जाएगा, अच्छा प्लस ऑक्सीजन आपको नहीं पता बेटा, ऑक्सीजन ऐसे ही आ जाएगा, माइनस सर जो टू से क्यों रिएक्टेंट है मल्टीप्लाई किया? अच्छा बेटा, इक्वेशन में वाटर के 2 मोल है, आप इस रिएक्शन की एंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं या नहीं, जी तो इसमें वाटर के 2 मोल हैं, तो ×2 नहीं करेंगे, ये तो एंट्रोपी पर मोल के लिए। ओके इसी तरह H2O2 का देखें, H2O2 की जो एंट्रोपी है वो 102 है, लेकिन मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 102, ठीक है ना बेटा, 141 इज इक्वल टू 70 × 2 हो जाएगा 140 प्लस O2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा -204। इन सब वैल्यू ले आओ, 141 -140 +204 इज इक्वल टू O2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, क्या आंसर आ रहा है, -2.2 204 क्या आ रहा है बेटा, 205 205 जूल्स केल्विन प्लस माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, सर में आ रहा है सर प्लस में, प्लस। प्लस में आ रहा है ना। अच्छा बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है दी डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज कैटलाइज्ड बाय दी आयरन 3 क्लोराइड एंड बाय सिल्वर मेटल, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज टू कैटलिस्ट इज एक्टिंग एज अ होमोजेनियस।
देखो एक्वस एंड एक्वस लिया हुआ है उसने, एक्वस, और H2O2 भी आपका लिक्विड होता है, और कैटलिस्ट उसने एक आयरन 3Cl3 एक्वस लिया हुआ है, तो ये तो होमोजेनियस होगा क्योंकि दोनों लिक्विड स्टेट में है ना, H2O2 लिक्विड, आयरन 3 भी लिक्विड, बस लिक्विड ही होता है ना, तो होमोजेनियस कैटलिस्ट होगा FeCl3 एक्वस। पर एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम स्टेट, बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, कैसे ज़ूम किया हमने? हाँ बट उसने एक्वस लिखा है ना, तो जिधर भी एक्वस होगा वो होमोजीनियस होगा। आपने रिएक्टेंट को भी देखना है भाई, रिएक्टेंट क्या था आपका, रिएक्टेंट क्या था, मेरा रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड लिक्विड है, और जो कैटलिस्ट है दो कैटलिस्ट, एक है आयरन थ्री क्लोराइड एक्वस, ये तो लिक्विड, दूसरा सिल्वर मेटल सॉलिड है, जब सिल्वर मेटल का पूछता तो मैंने हेटेरोजेनियस लिखा, सिल्वर मेटल सॉलिड स्टेट में तो सॉलिड होता है, सिल्वर मेटल का पूछता तो हेटेरोजेनियस, एक्वस आयरन थ्री क्लोराइड लिखा तो होमोजेनियस लिक्विड, यस क्योंकि होमोजेनियस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी ई नॉट वैल्यूज फॉर दी टू इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर गिवन। देखें ये H2O2 है, एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन, इसका उसने रिडॉक्स इक्विलिब्रिया लिखा हुआ है, दूसरा क्रोमियम का लिखा हुआ है। आपको पता है जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है ना, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो किसकी ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव है H2O2 की, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, और किसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है क्रोमियम की, और ये लूज करेगा, तो मतलब क्रोमियम टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और H2O2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ H2O2 अ प्लैटिनम वायर और क्रोमियम मिक्स विद प्लैटिनम वायर है, ठीक है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव हाफ सेल। बट इसमें बड़ी सिंपल बात होती है कि जिस हाफ सेल की, ये दो हाफ सेल है ना, जिस हाफ सेल की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो पॉजिटिव हाफ सेल आपका कौन सा होगा, हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2, और ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो ये बड़ा आसान है, ये देखो इसमें रिडक्शन हो रही है और नीचे वाले में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और आपको फॉर्मूला पता है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन की वैल्यू क्या है 1.77, माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या है -0.41, तो ई नॉट ऑफ सेल आपके पास आ जाएगा +2.18। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन दैट सर ऑकर पर ऑक्सीडेशन मोल, माइनस रिडक्शन नहीं होता। द कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पर क्या होती है, रेड कैट का वर्ड याद कर लो फिर भूलेगा नहीं, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन सर होती है, ई नॉट ऑफ पॉजिटिव रिडक्शन, हाफ सेल क्रोमियम नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। मेरे दोनों बच्चों ने ना बिल्कुल गलत बातें बताई हैं भाई। पहले जो फॉर्मूला है उसको सुन लें, फॉर्मूला याद रखें भाई, ये होगा पहली बात तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, और दूसरी बात कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल, फिर सुन लें ये बताओ, चलो इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, चले रिएक्टिव कौन है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्रोमियम क्रोमियम भाई जब क्रोमियम रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका टर्मिनल नेगेटिव नहीं होगा क्या, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन सारे उसके इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे, जी, जिस तरह लेकिन मैं ये कहता हूँ, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे नहीं होती। नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये लाजमी नहीं है, एक सेल में एनोड एनोड पर होती है, और जो आप बात कर रही हैं ऑक्सीडेशन एनोड पर होगी, लेकिन जो टर्मिनल है ना पॉजिटिव और नेगेटिव वो फिक्स नहीं है, जिस तरह मैं भी आपको समझा देता हूँ बेटा जल्दी से देख लें, एक जिंक है एक मैग्नीशियम है, आपके ख्याल में ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये बता दें, जिंक या मैग्नीशियम,
जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। बेटा, जिंक नहीं है, मैग्नीशियम। अब आप कहेंगे भाई हमें कैसे पता है, तो बेटा आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई थी, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, तो कौन ऊपर आ रहा है इसमें? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव राइट। अब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, अब मैग्नीशियम के रिएक्टिव होने का पता है क्या मतलब है? कि ये इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा ना तो इसका टर्मिनल, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लेकिन जिंक कम करेगा। अब अगर आप बेटा इसको कनेक्ट कर दो वायर के साथ, अब अगर आप इसको वायर के साथ कनेक्ट कर दो तो बताओ मोर नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा? मोर नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? बेटा जो जिन बच्चों का क्वेश्चन है ना वो आंसर दें बराए मेहरबानी, क्योंकि हमने आगे जाने पे। मोर नेगेटिव टर्मिनल कौन सा भाई इसमें? अब मैग्नीशियम का सर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। तो आज के बाद याद रखिएगा जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो, उनके ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज होता है और उनकी ई नॉट वैल्यू भी मोर नेगेटिव होती है। तो आज के बाद ये याद रखें कि अगर ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है, अगर ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है इट मींस वो बहुत ही रिएक्टिव है और वो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर E नॉट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इट मींस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो जहां तक ओके ये बात है सर, ना कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ये तो ठीक है भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इस केस में एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है भाई। वो जो आप लोग कह रहे होंगे ना वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें बैटरी लगी होती है, उसमें एनोड पॉजिटिव होता है। अब आते हैं जी आगे कि आपने डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन दैट अकर पर मोल ऑफ H2O2। देखो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ जो डेल्टा जी है ना उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी आपके पास है ही नहीं। यहाँ जो डेल्टा जी आपने निकालना है, ई नॉट इज गिवन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एनएचपी। एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला है। इसमें डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एन पता है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज इन द इक्वेशन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बताओ जरा इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई? टू सर, इस इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो ना H2O2 इज गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम को इसलिए आप जब नेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्रोमियम को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है। एफ क्या है? फ्राडेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बेटा आपको याद कर लेनी चाहिए, 96,500, वैसे डेटा बुकलेट में गिवन होगी, 96,500 96,500। कूलम्स, 96,500 कूलम्स वैसे दी होगी उसने। और ई नॉट ऑफ सेल आप ऊपर निकाल चुके हैं, तो बस सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो है, एफ आ रहा है 96,500 कूलम और ई नॉट ऑफ सेल आपके पास आ रहा है 2.18। क्या आंसर आ रहा है जी? -4207 4 into 10 is power 5, 740, 420, 420। 740 अब जरा सुने जी, देखो माइनस ये जो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो ना, मैंने एन तो नंबर है, एन आपका नंबर है, एफ है आपके पास फ्राडेस कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है कूलम्स पर मोल, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ना, एक मिनट इसको मैं इधर करता हूँ जरा, पहले मैं यूनिट बेटा तो बता दूं। फ्राइडेस कांस्टेंट होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम्स पर मोल, कि एक मोल पर कितना चार्ज आ रहा है। और ये जो बेटा आपके पास ई नॉट है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है आपके पास जूल्स पर कूलम। तो अब अगर आप इनकी यूनिट देखो तो ये पर कूलम कूलम से कैंसिल, तो आपके पास यूनिट क्या बची भाई पीछे? जूल्स पर मोल। जूल्स पर मोल, और वो किलो जूल्स में कह रहा है, तो क्या करेंगे जी? सर डिवाइड कर देंगे 1,000, डिवाइड जी तो डिवाइड 1,000। कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस यहाँ बहुत लाजमी है, -420.7 किलो जूल्स पर मोल। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि जब भी वो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल वाला फॉर्मूला लगाएगा ना, तो उसमें जो आपके पास ये आंसर आ रहा होता है वो जूल्स पर मोल में आ रहा होता है, आपको उसको डिवाइडेड बाय 1,000 करना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए सर जी। -421 नहीं लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उसने कहा है बेटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। ओके अच्छा अब देखिए, दी वैल्यूज फॉर दी, एक मिनट में जरा एक चीज चेक कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द वैल्यू फॉर द टू इलेक्ट्रोड्स आर गिवन, ये उसी सेल, बल्कि अब इसने कोबाल्ट ले लिया बेटा, क्रोमियम की जगह आप क्या ले लिया, कोबाल्ट। अच्छा अब मुझे जरा वो बच्चे बताएं ना जिनको इसमें मसला आ रहा था नेगेटिव पॉजिटिव में, इसमें बताएं ज्यादा, ये दो हाफ सेल है, पहले ये बताएं कि इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिव H2O2, H2O2, O2, जो H2O. मोर नेगेटिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव दोनों में से कोई नहीं है, तो आप लेस पॉजिटिव को मोर नेगेटिव कहेंगे, तो H2O2 इज मोर नेगेटिव, तो लिहाजा ये नेगेटिव टर्मिनल भी होगा आपका, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल भाई, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, ये एनोड होगा। अच्छा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग हाफ सेल वन, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ H2O2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्लेटिनम वायर, और हाफ सेल टू है जिसमें उसने ये लिया हुआ है। अच्छा हाफ सेल टू में ना कोबाल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं है भाई, कोबाल्ट थ्री की कंसंट्रेशन 0.02 है और कोबाल्ट टू की कंसंट्रेशन 2.0 है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर आ गए। ये तो उसने स्टैंडर्ड कंडीशन पर बताया हुआ है कोबाल्ट के, लेकिन यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। कह रहा है यूज द नर्नेस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द इलेक्ट्रोड, हाँ वो कह रहा है कि जो सेकंड हाफ सेल है ना उसकी आप वोल्टेज बताएं, पूरे सेल की नहीं पूछ रहा, हाफ सेल टू की पूछ रहे, सर इसमें हाफ सेल इक्वेशन टू नहीं जो है, दी तो ठीक है आपको याद रखनी है कि ई इज इक्वल टू ई नॉट, समटाइम वो दे देता है 0.059 डिवाइडेड बाई जी इंटू लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीशी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीशी। ई आपके पास ये होगा ना बेटा, ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ई नॉट, ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पर कितना था 1.82, 0.059 फॉर्मूले का है। जी है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देखो जी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इस हाफ सेल में भाई, वन। वन, तो यहाँ वन ही आएगा। लॉग ऑफ बेटा ये जो ऑक्सीडाइज स्पीशी होती है ना, ये कंसेंट्रेशन आपने लिखनी है यहाँ पर उसकी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, कोबाल्ट थ्री और कोबाल्ट टू किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, कोबाल्ट जी, कोबाल्ट थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, तो उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ लिख दोगे जीरो टू पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन्स टू नहीं है बेटा टू, क्यों, क्योंकि वो ओवरऑल रिएक्शन की बात नहीं हो रही ना, वो इस हाफ सेल की बात कर रहा है, क्योंकि इस हाफ सेल की आपने कंडीशन चेंज कर दी है, तो अब इसके लिए नया वोल्टेज हम ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा, तो इस हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है सर। देखो एक होता है पूरा, अच्छा आप कहोगे ऊपर क्यों किया था भाई, ऊपर जब मैं ये कह रहा था ना डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये देखो तो मैंने यहाँ पर ये ई नॉट ऑफ सेल है, इसका फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल ये दोनों मिलकर बनाएंगे ना, दोनों हाफ सेल मिलेंगे तो सेल बनेगा, तो यहाँ पर अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, ऊपर दो और नीचे वाली इक्वेशन को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे वो दो हैं, इसलिए मैंने एन को यहाँ पर टू रखा था, टू और 96,500, और ये ई नॉट ऑफ सेल आपके पास आ रहा था 2.18, लेकिन यहाँ पर तो वो एक हाफ सेल की बात कर रहा है, तो आपने इस हाफ सेल में देखना होगा कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो लिहाजा ये लिखेंगे वन, और कोबाल्ट टू इसमें रिड्यूस स्पीशी होगी, उसकी कंसेंट्रेशन है 2.0, पर इसको जरा सॉल्व कर लें क्या आंसर आ रहा है, तो माइनस वन थ्री पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन जीरो वन टू सर पॉइंट आपने जो लॉग्स का जी बेटा, सर आपने ऑक्सीडाइज वो जो रिड्यूस लिखा है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कौन से है वो मैटर नहीं करता, रिड्यूस नहीं, गुणा इसमें आपने ये बताना होगा, मैंने आपको ये तो निशानी बताई है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिगर होगी, हायर होगी, वो ऑक्सीडाइज स्पीशी होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो आपके रिड्यूस स्पीशी होगा, तो कोबाल्ट थ्री और कोबाल्ट टू में ऑक्सीडाइज स्पीशी वो होगी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, ज्यादा है, तो वो कोबाल्ट थ्री होगा, तो कोबाल्ट थ्री की कंसंट्रेशन ऊपर लिखोगे, और रिड्यूस में वो लिखोगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और वो कोबाल्ट टू है, तो उसमें आप टू लिख दोगे। ओके सर।
अच्छा राइट एन इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन दैट अकर इन दिस सेल अंडर दिस कंडीशन। अच्छा देखो ये अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ना, अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ये आ रहा है 1.702, 1.702। अब मुझे ये बताओ के आपके पास कोबाल्ट, ये कोबाल्ट की हो रही है ना बात। अब पहले क्या था जरा स्टैंडर्ड कंडीशन में बताओ कि ई नॉट किसकी बिगर थी, कोबार्ट ई नॉट कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट को क्या करना था बेटा, अगर मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। भाई ये चीजें क्यों याद नहीं है, इसको ऐसे याद रखो, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना रेडीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना रेडीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर देखते हैं तो कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, और लूज कौन कर रहा था बेटा, कौन लूज करेगा फिर इलेक्ट्रॉन, H2O2 गलत आंसर दिए जा रहे हैं भाई सारे। H2O H2O डायगोनल्स में होते हैं, ये होते हैं रिएक्टेंट्स। अगर कोबाल्ट थ्री इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन तो वाटर इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ये था स्टैंडर्ड कंडीशन पर। फिर देखने भाई क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पर एरोज यही होने थे रिएक्शन के या नहीं, बताएं। यही होने थे सर। लेकिन लेकिन हुआ ये कि भाई जब कंसेंट्रेशन चेंज की तो अब आपके पास ई नॉट ये आ गई है, सॉरी ई ई आपके पास ये आ गया। अब बताएं अब एरोस क्या होंगे, अब कौन ज्यादा पॉजिटिव है, H2O2 अब H2O2 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और कोबाल्ट 2 अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोबाल्ट 3 में। देखो एरोस बिल्कुल चेंज हो गए, कंसंट्रेशन के चेंज करने से जो आपका रिएक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। तो अब आपको इक्वेशन लिखनी है इसकी। तो बेटा इक्वेशन लिखने के लिए ना बेस्ट ये कि मैं इसको फ्लिप कर दूं यहाँ पर, ताकि आपके लिए लिखना आसान हो जाए। मैं इसको फ्लिप करके लिख रहा हूँ, कोबाल्ट 2+ इट गिव्स कोबाल्ट 3+, और ये एक इलेक्ट्रॉन। और बेटा मुझे बताएं ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना इसको। यस सर। और अब बेटा आपने इन इक्वेशन को ना कंबाइन करके लिखना है, इस इक्वेशन को कंबाइन करके लिखें। कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के रिएक्टेंट्स को मिला दें, ये इस इक्वेशन को भूल जाएं, ये खत्म हो गई है। ये लिखें आप H2O2+2H+ एंड 2 मोल्स ऑफ कोबाल्ट 2+ इट गिव्स। अब बेटा दोनों के प्रोडक्ट लिखो, देखो ये जी ये इक्वेशन खत्म हो गई है। दूसरी ये बनेगा 2H2O 2 मोल ऑफ कोबाल्ट 3+, खत्म। ये लिखना है जी, अच्छा जी डिफाइन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेटा ये होता है कि जब भी कोई पॉजिटिव आयन, ये मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ Na+ की, या कोई नेगेटिव आयन वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस आयन इज डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस आयन इज डिसॉल्व इन वाटर, और ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा एल्युमिनियम फ्लोराइड इज एन आयोनिक सॉलिड कंप्लीट एंड लेबर द एनर्जी साइकिल टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एंथैल्पी चेंज ऑफ AlF3 सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी ऑफ AlF3 एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है जी देखें बेटा, बड़ा आसान सा ये। मैं आपको एक चलें पहले इसका ना यहाँ साइड पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो जब भी AlF3 है ना, इसको मैं बहुत एक्सेस वाटर में डालूं और ये बन जाए इस तरह, इस एनर्जी चेंज को क्या बोलते हैं जी, जरा बोलिएगा इस एनर्जी चेंज का क्या नाम होगा। हाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन इसको बोलेंगे जी सॉल्यूशन, डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है बेटा, आपने 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को एक्सेस ऑफ वाटर में डाला। और अगर इस तरह हो बेटा कि Al3+ गैस इससे एक्वस में जा रहा हो, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हाइड्रेशन जी, इसको बोलेंगे आप हाइड्रेशन, ठीक है। और अगर चलें अब बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, वो कह रहा है कि कंप्लीट एंड लेबल द डायग्राम इंक्लूड स्टेट सिंबल्स फॉर ऑल द सब्सटेंसेस एंड आइंस। मैं अगर इतना करूँ कि यहाँ लिखता हूँ Al3 सॉलिड और यहाँ लिखता हूँ मैं Al3+ एक्वस, ये क्या होगा जी सर, ये हम कहीं भी सॉल्यूशन? लिख सकते हैं बॉक्स में. हाँ सॉल्यूशन कहीं कहीं भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन अच्छा अगर मैं किस तरह करूँ, यहाँ लिखता हूँ Al3+ गैस 3F-1 गैस, ये क्या होगा जी? ये लैटिस, लैटिस एंथैल्पी, शाबाश, लैटिस एंथैल्पी। और ये क्या होगा बेटा, ये एल्यूमिनियम गैस से एक्वस में जा रहा है, फ्लोराइड गैस से एक्वस में जा रहा हाइड्रेशन एंथैल्पी. है, दिस इज हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये आपने साइकिल बना ली, इसमें दो रूट आप आराम से बेटा निकाल सकते हैं। दो रूट अगर आपको बताने हो तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन सा होगा जी? ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग से फाइनल तक पहुंचने का ये रूट, रूट नंबर 1, और दूसरा रूट होगा बेटा ये, ठीक है। तो देखिए आपने लैटिस एंथैल्पी निकालनी है बेटा, लैटिस एंथैल्पी हम लोग पूरा सोल्यूशन लिखने की बजाय सिंपली SOL लिख सकते हैं. हाँ बेटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं SOL भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेशन में आप FORM लिख सकते हैं, कंबस्टन में सिर्फ C लिख सकते हैं, इसने खुद भी लिखा हुआ देखें SOL। अच्छा बेटा अब लैटिस एंथैल्पी निकालनी है आपने, तो रूट नंबर 1, रूट नंबर 1 में देखें कौन सी एनर्जी चेंजेस आ रही है, डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस आ रहे हैं, और क्या आ रहा है बेटा इसमें, सॉल्यूशन भी आ रहा इज इक्वल टू सेकेंड रूट में क्या आ रही है, सेकेंड रूट में हाइड्रेशन आ रही है बेटा। तो लैटिस एंथैल्पी आपको निकालनी है, सर इसको ऐसे रहने दो जी बेटा। सर, यहाँ पे अगर 3 मोल से 3 मोल बनेंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. अभी करते हैं बेटा, ये मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, बिल्कुल बताता हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन की क्या वैल्यू आ रही है, उसने यहाँ दी हुई है। अच्छा यहाँ पर मोल से क्या मुराद है, अभी जाइए देखें ना, पर मोल से मुराद है 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, इस आयंस के मोल को नहीं देखना, 1 मोल आयनिक सॉलिड आप डिजोल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा इसी वैल्यू को मैं लिखूंगा, -209 इज इक्वल टू हाइड्रेशन। क्या है बेटा हाइड्रेशन का मतलब समझ लो, कि जब 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो इतनी एनर्जी है, तो यहाँ देख लो ना यहाँ 1 मोल से 1 मोल ही जा रहा है, तो बस ठीक है 4690, 4690 लेकिन माइनस में है। अच्छा फिर उसके बाद फ्लोराइड की देखो, 1 मोल फ्लोराइड अगर वाटर में डालोगे तो -506, बेटा ये 1 मोल नहीं है ये 3 मोल है, तो मैं क्या करूंगा 506 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, 3 से 3 से 506 मल्टीप्लाई जी। अब बेटा बस आप इतना करो कि लैटिस एंथैल्पी निकालना है, -4690 और ये +209 और ये -3 × 506, बेटा इसका आंसर निकाल लो जल्दी से बस जो भी आएगा। ठीक है फोर बेटा। अच्छा इसमें ना मैं आसान से चीजें आपको बताऊंगा बेटा, वो आप नोट करते रहिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस में है, कोबाल्ट टू नाइट्रेट इज अ रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दी कोबाल्ट टू हेक्सा एक्वा कोबाल्ट टू आयन, कंप्लीट टेबल 4.1 गिविंग द फॉर्मूला ऑफ कोबाल्ट कंटेनिंग स्पीशी दैट इज फॉर्म इन ईच ऑफ 3 रिएक्शन डिस्क्राइब। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि जब भी कोबाल्ट को आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल को जब ऐसे लिखते हो ना,
कोबाल्ट एक्वस। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होता है। कोबाल्ट एक्वस का पता है क्या मतलब है? कोबाल्ट एक्वस का ये मतलब है कि कोबाल्ट को 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखिएगा। कोबाल्ट एक्वस मतलब कोबाल्ट को 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। अच्छा जी, अब तो इसलिए वो यहां पर कोबाल्ट एक्वस भी लिख सकता था, ठीक है ना? अच्छा, कोबाल्ट एक्वस के अंदर वो क्या यहाँ पर ऐड कर रहा है जी? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि वो NaOH यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स डाल रहा है या एक्सेस में डाल रहा है। कोई बच्चा रीजन बता सकते हैं क्यों मेंशन नहीं किया जी उसने? क्योंकि दोनों केसेस में एक ही चीज बनने वाली है, चाहे आप फ्यू ड्रॉप्स डालें चाहे एक्सेस में इनसॉल्युबल डालें। प्रेसिपिटेट होते हैं। यस, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब आपको ये बात समझनी है कि कोबाल्ट बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन देता है जैसा कि कॉपर टू देता है। मुझे कोई बच्चा बताएगा, अगर कॉपर टू के अंदर, ये कॉपर टू था, इसके अंदर आप जब NaOH डालते हैं बेटा, तो क्या रिएक्शन होता था भाई NaOH में? इसे बच्चों को पता है प्रेसिपिटेशन जी? ये होता ये था कि जो OH है ना बेटा, ये यहां पर एज अ बेस काम कर रहा है। ये OH क्या करेगा? दो वाटर में से एच आयन निकाल लेगा। दो वाटर में से क्या निकाल लेगा? एच आयन। और आपके पास बनेगा कॉपर H2O4। और जो दो वाटर है ना बेटा, दो वाटर के मॉलिक्यूल, वो अपने एच आयन रिलीज करेंगे। जब एच आयन रिलीज करेंगे तो ये चीज बनेगी। मैं इस तरह करता हूँ बेटा, ये एक चीज जरा आपको पहले समझा दूं। ये इस तरह आपको बताया था, अगर आपने ट्रांजिशन मेटल पढ़ा है, इधर ये सब डेटिव बॉन्ड, राइट? ये ना बेटा, अब जब आप इसमें 2 मोल्स OH आयन के ऐड करोगे, तो ये OH आयन ये करता है कि एक एच यहां से निकाल लेगा और दूसरा एच यहां से। तो बेसिकली दो वाटर के मॉलिक्यूल ना अपने एच आयन को डोनेट करेंगे। तो अब आपके पास बताया क्या बन रहा है? कॉपर। कितने वाटर रह गए? 1, 2, 3, 4, 4 वाटर रह गए हैं H2O, और 2 OH हैं आपके पास। ईच OH हैज 1 माइनस चार्ज, कॉपर 2 प्लस। तो ये चार्जेस कैंसिल हो गए, नेट चार्ज 0 आ गया। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है ना बेटा, तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा होता है। सेम रिएक्शन होगा कोबाल्ट के लिए भाई, कोबाल्ट के लिए सेम रिएक्शन है ये। आपने जब इसमें NaOH डाला, चाहे फ्यू ड्रॉप्स डालें या एक्सेस में डालें, यही रिएक्शन होना है। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि फ्यू या एक्सेस यहां पर दोनों में सेम रिएक्शन होगा, और 2 मोल NaOH की यूज होंगे, और आपके पास ये बनेगा। अच्छा, जो बच्चा इसको ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता है, उसको भी ठीक कर देता है भाई, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो यहां पर, बेटा जो आपको कॉम्प्लेक्स लिखना है ना, अब देखो, आपने इस कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 में NaOH डाला, तो आप सिर्फ ये लिख दोगे कोबाल्ट, वाटर जो है अब 4 रह गए हैं, और OH 2 और 0 चार्ज। या अगर कोई बच्चा ये लिखता है कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, इसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा बेटा? जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूशन होगा। जी, सब्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल, मैं पूरा रिएक्शन आपको जरा बता देता हूं बेटा। ये ना आपके पास कोबाल्ट। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता है, ये जरा बताएं कि एक्सेस तो चल रहे बात की बात है ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया के साथ क्या होगा? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, ये कौन बताएगा जी? फिर से OH रिएक्ट करेगा। हाँ जी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब होगा 2 मोल अमोनिया, और 2 मोल अमोनिया वही काम करेंगे जो OH ने किया। ये 2 अमोनिया क्या करेंगे? 6 वाटर है ना, तो 6 वाटर में से 2 वाटर को आयोनाइज करेंगे। ये फ्यू ड्रॉप्स है बेटा। इस अमोनिया की जगह ना फ्यू ड्रॉप्स में आप 2 OH भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये उसने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, मैं इसको जल्दी से बेटा बस लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि फ्यू ड्रॉप्स में ये बनता है बेटा। अब ये भी प्रेसिपिटेट है, लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट है ना बेटा, ये ग्रीन कलर के हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे वो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? ऐसे मैंने आपको कलर बता दिया, और साथ में अमोनियम आयन बनेंगे, 2 मोल अमोनियम आयन।
आपसे वो सर, कह रहा है एक्सेस। जी बेटा तो हम ये याद कर सकते हैं कि जैसे फ्यू ड्रॉप्स इट विल ऑलवेज बी टू मॉलिक्यूल्स। हमेशा नहीं, मतलब अभी तक जितनी एग्जाम्पल्स होंगी ना आपकी उसमें तो टू ही है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता बेटा। आपकी सिलेबस में जितनी एग्जाम्पल है उसमें टू ही चल रहा है कि फ्यू ड्रॉप्स का मतलब टू है, लेकिन एक्सेस में सिक्स नहीं होता ना हमेशा, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक्सेस का मतलब हमेशा फिर सिक्स नहीं होता, बाज दफा फोर होता है, बाज दफा सिक्स होता है, तो ये चीजें आपको बेटा लर्न करनी पड़ेंगी, इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा वो कह रहे जी एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया का मतलब है सिक्स मोल ऑफ अमोनिया। अब सिक्स अमोनिया क्या करेंगे, छह के छह वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा मैं यहाँ पर जब एक्सेस ऑफ अमोनिया का लिखूंगा तो ये होगा कोबाल्ट, अब वाटर की जगह अमोनिया आ गया है। देखो अमोनिया न्यूट्रल है ना, अमोनिया इज न्यूट्रल, तो कोबाल्ट पर जो 2+ चार्ज है वो ऊपर ही आएगा। और मैं आपको एहतियात है इसका कलर भी बेटा बता देता हूँ, याद रखिएगा ब्राउन सोल्यूशन, ब्राउन सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट क्यों नहीं लिख रहा है इस दफा, इसलिए नहीं लिख रहा कि आपको बताया है कि अगर स्क्वेयर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज अच्छा आ जाए ना, चार्ज, तो वो सोल्यूशन होता है, और अगर स्क्वेयर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, फिर वो प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट देखें जी कंसेंट्रेटेड एचसीएल, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है। देखो वैसे तो मैंने कहा है कि एक्सेस का मतलब होता है सिक्स, जनरली सिक्स मतलब लेते हैं आप। अच्छा इस रिएक्शन को क्या कहेंगे भाई, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, जरा बोलें जी, टाइप ऑफ रिएक्शन लाइगेंड क्या है एक्सचेंज रिएक्शन। ये, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा और बेटा इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, क्या ये लाइगेंड एक्सचेंज है या एसिड बेस है, दोनों नहीं, एसिड बेस। ये एसिड बेस रिएक्शन है। अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस और वाटर यहाँ पर एज एन एसिड काम कर रहा है, ठीक है। दिस तो ये जो रिएक्शन है 2 मोल अमोनिया के साथ, ये लाइगेंड एक्सचेंज नहीं है, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। अच्छा बेटा अब एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ वो कह रहा है एक्सेस ऑफ HCl, तो इसमें ये होगा कोबाल्ट H2O6 2+, बेटा 4 मोल्स ऑफ क्लोराइड। क्यों, देखो अमोनिया जो है ना, अमोनिया ये बड़ा स्मॉल साइज लाइगेंड है, क्योंकि जो उसमें नाइट्रोजन है उसके पास दो शेल है। क्लोराइड जो है ना ये बिगर साइज का लाइगेंड है। अब देखो आपके पास ये कोबाल्ट है, अब कोबाल्ट का एक साइज है उसके अराउंड मैक्सिमम 4 क्लोराइड आ सकते हैं, 6 नहीं आएंगे। तो लिहाजा जब भी वो क्लोराइड की बात करेगा तो आप 4 मोल, क्योंकि 6 एडजस्ट नहीं हो सकते ना, इस कोबाल्ट का जो सर्कमफ्रेंसिस है, जो इसका बड़ा एरिया है वो इतना बड़ा है नहीं कि इसको 6 क्लोराइड, 6 बिगर साइज के क्लोराइड सराउंड कर सकें। तो इसलिए जब भी एचसीएल की बात होगी तो 4 मोल, तो यहां पर होगा कोबाल्ट Cl4, HCl is -1, -4, कोबाल्ट 2+ है तो नेट चार्ज -2 आएगा। तो ये बेटा आपको सॉल्यूशन बना कर देगा, ठीक है। ये देखें जी, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे कोबाल्ट, मेरी क्लास हो रही है, मैं आपको कोबाल्ट, बेटा कोई बच्चा मुझे इसका सॉल्यूशन का कलर बता सकता है कि इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, पिंक या येलो ब्लू, ब्लू। येलो येलो ये येलो कौन कह येलो रहा है भाई, येलो नहीं होगा, येलो उस वक्त होगा अगर कोबाल्ट की येलो जगह कॉपर होता, ये ब्लू होगा भाई। नहीं याद, आपको याद करवाते चले। देखें बेटा आपने ओ लेवल्स में ना एक टेस्ट पढ़ा था सच वाटर का, वाटर का आपने एक टेस्ट पढ़ा था, एक तो पढ़ा था ना कॉपर सल्फेट के साथ, उसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पे पानी डाल दें तो वो व्हाइट से ब्लू हो जाता है। एक आपने कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट पढ़ा था, याद है, कोबाल्ट में। यस सर, ब्लूटूथ पे। जी क्लोराइड, तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू होता था, उसमें आप जब पिंक वाटर डालते थे ना, देखो जब होता। उसमें वाटर डालते थे तो ये बनता था। मैं आपको पूरा रिएक्शन बता देता हूँ, ये कोबाल्ट होता था ऐसे। इसका क्या कलर होता है भाई, कोबाल्ट को जब वाटर सराउंड कर रहा हो इसका क्या कलर होता है, पिंक, पिंक 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 कलर होता है बेटे, शाबाश। जब इसको क्लोराइड सराउंड करेगा फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लू। तो ये ब्लू रिवर्सिबल रिएक्शन सॉल्यूशन। है, ये याद रखिएगा बेटा, ये ब्लू सॉल्यूशन है और ये पिंक सॉल्यूशन है। तो कोबाल्ट को जब वाटर सराउंड करता है पिंक कलर का होता है, कोबाल्ट को जब क्लोराइड सराउंड करता है वो ब्लू कलर होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस इज लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेटा कलर्स याद रखना, लेकिन सम टाइम वो सिर्फ कलर प्रूफ है। मैं आपको क्लास के बाद चले एक
वो पेज सेंड कर दूंगा जिसमें ये सारे कलर्स लिखे हुए हैं, ठीक है? उस तरह आप नोट कर लीजिएगा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ फिर बाद में, एक मिनट एक मिनट, मैं कोशिश कर, अगर अभी भेज दूँ फिर बाद में मैं खुद भूल जाऊंगा। अच्छा जी, ऑर्गेनिक नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री बेटा, के इतनी नोट्स देर में आप देते पढ़ें ये, हैं। ठीक है बेटा? पहले भी ये कर लेना, वो मैं बाद में भेजता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये भेज दूँ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ी पढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये जी मैंने भेज अभी दिया आपको, ठीक है? ये कलर्स देख लीजिएगा, इस पे आगे कलर्स किए भी हुए हैं, फिर आपको याद रहेंगे। डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन इन दिस रिएक्शन, ओरिजिनल कलर ऑफ दिस। बेटा कोबाल्ट को जब भी वाटर सराउंड करते हैं तो उसका कलर क्या होता है? पिंक होता है, याद रखना है। और कोबाल्ट को जब क्लोराइड सराउंड करता है, क्लोराइड, तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। ब्लू ये बिल्कुल, मैंने ऊपर अभी रिएक्शन भी तो बताया था ना बेटा, ये वही है, ठीक है? तो ये बनेगा आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड, ये ब्लू है, और कोबाल्ट को जब सराउंड करेगा पिंक होगा। आगे देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हेन हीटेड इट स्टार्ट टू डिकम्पोज एट अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस। राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोज। आपको पता है बेटा, ये जो ग्रुप टू के नाइट्रेट्स होती हैं और जो ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट्स होते हैं, इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन एक जैसी होती है, ठीक है ना? तो ये कैल्शियम नाइट्रेट को अगर आपने डिकम्पोज करना है तो ये क्या क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है? और साथ में ऑक्सीजन गैस भी। अब सजेस्ट द टेम्परेचर एट विच मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट स्टार्ट टू डिकम्पोज। अब देखिएगा बड़ा, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन आपने देखनी है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट। देखो आपको ये बताना है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का बेटा मतलब ये होता है कि आप हीट देना, हीट तो वो हीट देने से अगर तो रेडिली डिकम्पोज हो रहा है, आपने कंपाउंड को हीट दिया और वो जल्दी से टूट गया, तो इसका मतलब थर्मली स्टेबल है, जल्दी से डिकम्पोज हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप एक कंपाउंड को हीट दे रहे हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे ये थर्मली स्टेबल है भाई, ये डिकम्पोज नहीं हो रहा। उसने कहा है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है ना, ये डिकम्पोज होता है 500 डिग्री पर, ठीक है? और आपको ये भी पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कैल्शियम नाइट्रेट की उसने थर्मल स्टेबिलिटी बताई है कि इट डिकम्पोज एट 500 डिग्री सेल्सियस। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब डाउन द ग्रुप आएंगे ना तो डिकम्पोज करना मुश्किल होगा। तो बताओ, टेम्परेचर एट विच मैग्नीशियम नाइट्रेट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज। बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट कितने पर डिकम्पोज होगा? 500 से कम पर या ज्यादा पर? हंड्रेड कम कम पर। पर 500 से कम पर। तो बेटा अब आप कितना कम रखोगे? वैसे आप लोग बताएं कितना कम आप करोगे? क्या 499 तो नहीं करोगे कम से कम? थोड़ा गैप रखोगे ना अभी? 300 फोर हंड्रेड कम से कम बेटा, 400 कम से कम, आप 100 का तो डिफरेंस रखोगे ना कम से कम। तो इसलिए उसने अलाउ किया हुआ है कि बच्चा अगर बिलो 480, अगर कोई बच्चा बिलो बस 480 लिख देना, कोई भी टेम्परेचर, मतलब आप 400 लिख दें, आप 350 लिख दें, तो बस वो ठीक कर देगा। बिलो 480 मतलब 20 डिग्री का उसने कहा कम से कम मार्जिन हो। तो इसलिए आप बेटा यहाँ पर 400 लिख दें, बस 100 का डिफरेंस डाल दें कि मैग्नीशियम नाइट्रेट 400 पर डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट 500 पर डिकम्पोज हो रहा है, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट 600 पर होगा। तो ये बेरियम नाइट्रेट कितने पर होगा जी? 900 750, सेवन एट। हंड्रेड हाँ बस आप 800 पे 700 कर देंगे, 100 एट भी मैंने हंड्रेड पास सेवन लिखा है। हंड्रेड उसने कहा हुआ है कि 700 लिख दें, 600 लिख दें, उसने कहा है 520 से अबव, बस 520 से अबव आप। लेकिन ये भी ना हो ना आपने कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाल दें, क्योंकि 2000 तो ये भी वो ठीक नहीं करेगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको मार्जिन रखना है। एक सीक्रेट आपको पता है कि डाउन द थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये अगर 400, 500, 600, 700 पर 100 100 का आप गैप डाल दें। अब बट इसकी रीजन पर आते हैं कि ऐसा क्यों है, थर्मल स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है डाउन द ग्रुप। देखो मैं आपको मैग्नीशियम इसमें, हाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट का उसने एग्जांपल दिया, Mg2+ है ये, और ये बेटा बेरियम, बेरियम 2+ है, राइट?
एमजी जो है ना, मैग्नीशियम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, तो ये पता है क्या करेगा, ये नाइट्रेट है आपके पास, नाइट्रेट है और यहाँ नाइट्रेट है, अब देखो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली खींचेगा ना, मैग्नीशियम जो है ना इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, ठीक है, जबकि जो ये बेरियम है ना बेटा, बेरियम का क्योंकि चार्ज कम है, आप कहेंगे चार्ज तो कांस्टेंट है, भाई चार्ज कांस्टेंट है लेकिन बेरियम का साइज बड़ा है ना, तो इसका चार्ज डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेरियम नाइट्रेट को इतना स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीशियम ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक हो गया है, ये जो बॉन्ड वीक हुआ है ना, इसी को तो कहते हैं पोलराइजेशन, इसी को क्या कहते हैं पोलराइजेशन, तो याद रखिएगा बेटा ये जो नेगेटिव आयन होती है ना, इसमें पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन होती है, कौन कॉज करता है, पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव आयन है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम है इस एबिलिटी का, कि नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलराइजिंग पावर, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, तो आपने ये कीवर्ड यूज करने हैं इस आंसर में, एक तो आपने बताना है कि जो मैग्नीशियम है ना इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, जबकि बेरियम आयन की पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है, तो आप ये बता दें, बेरियम आयन हैज लेस पोलराइजिंग पावर ड्यू टू दी लो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सो लेस पोलराइजेशन इन नाइट्रेट आयन, एज अ रिजल्ट स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड, देखो ना बेटा बेरियम आयन की ना चार्ज डेंसिटी कम थी, मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, जितना वॉल्यूम ज्यादा होता है चार्ज उतना वीक हो जाता है, अब बेरियम जो है ना इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली नहीं खींच पा रहा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया भाई, ये स्ट्रांग बॉन्ड है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना अब इतना आसान नहीं है, तो आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी होगी, ठीक है जी, तो ये वो कह रहा है कि अब लेस पोलराइजेशन, इस नाइट्रेट आयन में पोलराइजेशन कम हुई है, मतलब बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ, जिसकी वजह से मोर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा अब बेटा आगे चलते हैं जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव एज अ कैटलिस्ट एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट। अच्छा बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे याद आएगा, आप लोगों ने ना एक होमोजेनियस कैटालिसिस में एग्जांपल पढ़ी थी, होमोजेनियस कैटालिसिस जी सर, एस एज टू ऑप्शन ओ वन। ए टू माइनस, मुझे ये बताओ आप लोग को क्या बताया गया, ये जो एस टू ओ ए टू माइनस है और जो आयोडाइड आयन है, ये आपस में रेडिली रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या रीजन है कि ये रेडिली रिएक्शन सर नहीं कर दोनों सकते, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड। यस बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो दोनों नेगेटिव अगर आप इस रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो आप इसमें कैटलिस्ट देते हो, और वो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, आप इसमें ये आयोडाइड लिया आपने, और आप इसमें ले लोगे बेटा यहाँ पर, बल्कि इस तरह करते हैं, पहले मैं आयरन थ्री, आपको ये आपने पढ़ा होगा कि आयरन टू ने ना पता क्या किया है, आयरन टू ने बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए एस टू, अच्छा असल में क्या हो रहा था सुनो,
असल में इस रिएक्शन में ये हो रहा था कि आयोडाइड जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और S2O8 2- इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। देखो ना आयोडाइड I2 में जा रहा है ना, तो आयोडाइड इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और S2O8 2- इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयोडाइड इसको रेडिली डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा था। तो क्या हुआ, आयरन टू ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए S2O8 2- को, और आयरन टू किस में चला गया, आयरन थ्री में। और फिर क्या होगा कि ये जो आपके पास आयरन थ्री बना है ना, इसको भी इलेक्ट्रॉन दोबारा मिल जाएंगे। कैसे, ये जो आयोडाइड है, आयोडाइड ये आयरन थ्री को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देखो, और आयरन थ्री दोबारा आयरन टू में चला जाएगा। ये रिएक्शन बेटा आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आप आंसर देना आसान हो। यहाँ पर बेटा आयरन टू का रोल एज अ कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट इसलिए था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना बेटा, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो ना आयरन टू की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, थ्री की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसको कैटलिटिक करेक्टर इसमें बना रही है। इसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे आंसर, कि एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव एज अ कैटलिस्ट। तो आप लिखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दे हैव मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर देखो ट्रांजिशन मेटल की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती, तो उसने आयरन टू ने फिर आयरन थ्री में तो जाना ही नहीं था, ठीक है ना। तो आयरन टू अगर आयरन थ्री में जा रहा है और दोबारा आयरन थ्री से आयरन टू में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट बना रही है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और दूसरी रीजन बेटा ये भी ध्यान में रखो कि अगर एग्जामिनर पूछे ना कि क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो आप कहेंगे कि इसके जो 4s और 3d के जो शेल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब आप 4s से निकालते हैं तो 3d से निकालने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। तो 4s एंड 3d हैव सेम एनर्जी लेवल, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिल्वर फॉर्म द लीनियर कॉम्प्लेक्स, इस तरह के लीनियर कॉम्प्लेक्स होगा, ये सिल्वर है और दो साइनाइड इसको सराउंड कर रहे हैं ऐसे 180 डिग्री पर, ठीक है ना। सर देखो जी बेटा सर पार्ट ए पे मार्किंग स्कीम में ये भी लिखा हुआ है कि वो डी ऑर्बिटल एनर्जेटिकली एक्सेसिबल है। सर क्या ये आप इलेबोरेट कर सकते हैं? इसका ये तो मतलब है कि 3D और 4S की सेम एनर्जी है ना, तो जो आपके लाइगेंड्स है ना वो 3D के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, 4S के साथ भी बना सकते हैं। ओके सर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल का मतलब है कि लाइगेंड्स के वो एक्सेस में है, 3D के ऑर्बिटल भी 4S के ऑर्बिटल, ओके सर सेम एनर्जी लेवल। देखो तभी तो वो वेरिएबल आपने देखा है ना कि कॉपर के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3D में क्यों चला जाता है भाई, जाता है नहीं जाता कॉपर में। जी सर जब आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सर तो क्या करते हो, आप करते हो 4s1 3d10, 4s1 3d10, हालांकि ये होनी चाहिए थी 4s2 3d9। तो ये इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में क्यों चला गया, क्योंकि 4s एंड 3d हैव सेम एनर्जी लेवल, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन d में जंप कर जाता है ताकि d भी स्टेबलाइज हो जाए। अदरवाइज अगर इनमें डिफरेंस होता एनर्जेटिकली, अगर इसमें डिफरेंस होता तो कभी भी s का इलेक्ट्रॉन जंप ना करता। तो इनका एनर्जी लेवल सेम, देखिए ना अगर इनका एनर्जी लेवल सेम है ना, तकरीबन सेम है, 100% तो नहीं, तकरीबन सेम है, तभी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इसमें क्या है, सिल्वर लीनियर कॉम्प्लेक्स बना रहे, साइनाइड के ऊपर ना -1 चार्ज होता है, सिल्वर हैज 1+, तो नेट चार्ज आपके कॉम्प्लेक्स पर आ रहा है -1। कॉपर फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। टाइटेनियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स TiCl4 एंड ये DiARS, डेयर्स ये कोई बाइडेंटेट लाइगेंड है, यस इसने लिखा हुआ है, दिस इज द बाइडेंटेट लाइगेंड। स्टेट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर
देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइटेनियम के पहले तो चार डेटिव बॉन्ड क्लोरीन से बन रहे हैं, और उसके बाद ये जो बाइडेंटेट लाइगेंड है ना डायर्स, ये दो हैं, एक इस तरह बना रहा होगा, एक यहां से बना रहा होगा। तो बेटा जरा देखो कि डेटिव बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, जरा ये काउंट कर लो बस, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स कितने हैं जो टाइटेनियम के साथ बन रहे हैं, कितने बेटा? सिक्स सिक्स कहाँ से है भाई, सिक्स सिक्स कहाँ से है अलग बंदो, सिक्स नहीं है। देखो इधर टाइटेनियम के साथ ये चार तो क्लोरीन है, ये चार क्या है? क्लोरीन है, और दो एट हो गए। हाँ बाइडेंटेट हैं जो मैं रेड कलर से किया ना, ये एक बाइडेंटेट है जो जो मैंने रेड कलर से शो किया है, ये दूसरा बाइडेंटेट है जो मैंने रेड कलर से शो किया। टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स आठ नहीं हो गए क्या इसके पास? एट। हाँ बेटा आठ नहीं होंगे जी क्या डेटिव? यस सर। आठ डेटिव बॉन्ड, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये बेटा ये देखो, ये फाइव सिक्स सेवन एट, आठ डेटिव बॉन्ड्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आठ है, जो कि हमने अभी तक आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में नहीं कराया और ना इसको ड्रॉ करता है, ठीक है? अच्छा ओके ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है जी टाइटेनियम की। देखो ये बाइडेंटेट लाइगेंड तो ना आपका न्यूट्रल है, उसने लिखा हुआ है कि बाइडेंटेट लाइगेंड इज अ न्यूट्रल, तो बस इसको इग्नोर करके टी आई सी एल फोर, सी एल माइनस वन होता है, तो माइनस फोर टाइटेनियम क्या होगा बेटा? टाइटेनियम पर क्या चार्ज होगा? जीरो प्लस फोर, टाइटेनियम इज प्लस फोर ना, क्योंकि सी एल माइनस है, चार क्लोरीन है, माइनस फोर उसको कैंसिल आउट करने के लिए प्लस फोर, ओवरऑल तो ये कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है ना, तो चार्जेस को कैंसिल आउट करना। अच्छा ड्रॉ दी थ्री डायमेंशनल डायग्राम टू शो। क्वेश्चन होगा या जी फिर बेटा कभी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता क्या चीज बेटा? है। इसमें तो अभी मेंशन किया हुआ ना कि वो न्यूट्रल है, जी बाइडेंट बेटा है, पूछे। कभी डिफरेंट भी हो सकता है वो। हाँ अगर जो आपके सिलेबस में ना उसका आपको नहीं बताया गया, जैसा कि ऑक्सीडेट C2O4 2-, वैसे लिख देता है वो, लेकिन वो ना भी बताए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीलेट हैज 2- चार्ज। इस तरह इथाइलीन डाइमाइन वो न्यूट्रल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जो कोई नया आपको देगा ना बेटा, तो उस पे लाजमी बताएगा कि इसको कोई चार्ज है या नहीं। वैसे वो ऑक्सीलेट कभी बता देता है, बाइडेंटेट का नहीं बताता, लेकिन जब बाइडेंटेट उसने ऐसे लिखा होगा ना, क्या नाम है, इथाइलीन डाइमाइन, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस तरह जब लिखता है तो कोई चार्ज नहीं डाला होगा, तो आप समझ जाएंगे ना कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा जी अब वो कह रहा है कि थ्री डायमेंशन डायग्राम बनाए, एक तो सिल्वर की जिसको दो साइनाइड सराउंड कर रहे हैं, इसकी तो बस 2D ही बनेगी ऐसे। और बेटा नेट चार्ज आप डाल दीजिएगा -1, और आपने बॉन्ड एंगल शो करना है, तो इस तरह लेबल कर दें 180 डिग्री। अच्छा कॉपर, अब ये कॉपर स्क्वायर प्लेनर है टेट्राहेड्रल है भाई, ऊपर मेंशन किया नहीं है, देखो कॉपर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल का ना ये दो प्लेन लाइंस, प्लेन लाइन का मतलब है लाइगेंड्स ऑन स्क्रीन है, एक ये वेज, वेज का मतलब है कि ये आपकी तरफ आ रहा है, और एक डॉटेड लाइन। अच्छा 90 डिग्री पर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, ये इसका ख्याल करना, कोई लाइन 90 डिग्री पर ना हो। अब बेटा आपने चार से एक CN, ये दूसरा CN आ गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसके ऊपर कॉपर पर 2+ चार्ज होता है ना, ईच CN हैज -1, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? -2। और ये बेटा एल क्या होगा? 109 पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी कॉन्स। जी बेटा आपने 90 डिग्रीज वाली बात क्या बोली थी? मैंने कहा कि कोई बच्चा इस तरह ड्रॉ ना करे, ऐसे ऐसी कोई लाइन, और फिर उसको कहे कि ये 109 है, इस तरह वो उसको गलत करेगा। आपको टिल्ट करना भाई, देखो ना मैंने डॉटेड लाइन, क्योंकि ये 90 डिग्री तो नहीं है ना, जी सर, सही है सर वो बात चार्ज बच्चे इस माइनस। तरह अच्छा बना देते हैं। अच्छा सर चार्ज 3- बेटा है, उसका चार्ज 3- है, 2- तो वेट अ मिनट। कॉपर प्लस हाँ वन होगा। जी इसका मतलब है कॉपर 1+ है, शाबाश, कॉपर 1+ दिया हुआ उसने जी, कॉपर जो है ना वो 1+ है और ये 3- है, बिल्कुल ठीक है यहाँ की उसने, लेकिन थ्री कॉपर 1+ है क्योंकि ये 3- आपको बता रहे हैं।
अच्छा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हाँ वन कॉम्प्लेक्स इज दिस राइट क्वेश्चन बेटा। देखो अब इसको जरा गौर से देखो, वो कह रहा है कि आप के स्टेप का एक्सप्रेशन लिखें कॉपर वन कॉम्प्लेक्स के लिए। अब आप जरा सोचो कि आप किससे बना रहे होगे बेटा, या आपने कॉम्प्लेक्स किससे बनाया होगा। वैसे कॉपर के जितने जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉपर को ओरिजिनली आप किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, ये जरा गेस करो। वाटर में, वाटर वाटर में डिसॉल्व करते हो ना बेटा, वाटर में डिसॉल्व करोगे और फिर आप उसमें सीएन डालोगे और फिर क्या होगा, सॉरी ये वन प्लस है बेटा, मैं बार बार टू प्लस लिख रहा हूँ, और फिर क्या होगा कि सीएन इसको रिप्लेस कर रहा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कॉपर 6 वाटर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपने के स्टेप लिखना है, पहली बात तो ये बताओ के स्टेप में क्या वाटर को लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, ये नहीं बताओ। लिखा के जाता स्टेप के एक्सप्रेशन में हम वाटर को लिखते हैं, नहीं। नहीं लिखते, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है भाई, वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो है ना वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो आपने जितनी भी चीजें हैं ना वो वाटर में डिजोल्व की हैं, ठीक है, जितनी चीजें वाटर में डिजोल्व की हैं, तो भाई अगर इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा वाटर मजीद जनरेट भी हो गया है, तो उस वाटर के बनने से सॉल्वेंट की टोटल अमाउंट पर फर्क पड़ेगा ना, होने के बराबर फर्क पड़ेगा, इसलिए वाटर को नहीं लिखना, वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। आप इसको देखकर या इसको देखकर कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो मर्जी लिख दो, या ऊपर वाले इक्वेशन को देखकर के स्टेप लिख दो या नीचे वाले इक्वेशन को देखकर, दोनों उसने अलाउ किए हुए, तो आप इस तरह लिखोगे। अच्छा एक चीज सुनो बेटा, एक और चीज यहां पर, चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना ये वाली, ये किस को रिप्रेजेंट कर रही है, बोलिएगा जरा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्सेंट्रेशन भाई, ये वाली, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल गलत, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल को, गलत, कॉम्प्लेक्स रैपिंग ये द कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रही है भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का पता है क्या काम है, सिर्फ इसका ये काम कि ये लाइगेंड्स को और मेटल आयन को रैप कर रही है, बस इसका और कोई मकसद नहीं होता। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये सिर्फ आपको रैप करके दे रही होती है, किसको, मेटल आयन को और लाइगेंड, अभी ये कंसेंट्रेशन नहीं बता रही, लेकिन जैसे ही मैं इसको के स्टेप के एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का बदल जाएगा। ओ फिर मैं बताए क्या करूंगा, ये चार्ज इसके अंदर डालूंगा, देखना जरा, सी यू सी एन 4। अब बेटा ये 3 माइनस मैंने अंदर डालना है, ब्रैकेट से बाहर नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है कि के स्टेप के एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स के ऊपर क्या चीज लिखते हैं, कॉफिशेंट है ना, ब्रैकेट के ऊपर तो कॉफिशेंट लिखते हैं ना, अगर मैं सपोज 3 माइनस यहाँ लिखता तो ऐसे लगता कि भाई इसके 3 मोल्स हैं, इसलिए 3 माइनस लिखा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए याद रखना है आपने ये बात कि कभी भी जब आप के स्टेप का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो चार्जेस होंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बाय। आपकी आवाज और अब बेटा बहुत आप यहाँ लैग पर कर रही है। कॉपर, जी बेटा आवाज लैग कर रही है मेरी स्टूडेंट्स, नहीं सर सही है, बीच में हो रही थी, अब सही है। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखें, कॉपर वन आ गया इधर और ये आ जाएगा जी सी एन, हाँ अब देखिए ना सी एन माइनस अंदर आएगा और ये जो 4 है ना इसको आपने पावर बनाने, ठीक है, तो ये चीज जरा सिर्फ ये आपके काम का एक्सप्रेशन है भाई, बाकी तो मैंने ऐसे ही समझाया आपको। ये सर नेक्स्ट देखिए जी इन अस, जी बेटा सर ऊपर सर ऊपर जाएं 1 सेकंड के लिए। ये लो बेटा, सर ये सी यू सी एन 4 to the power of -3 सर, एग्जामिनर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हुए न्यूमरेटर में, तो क्या हम कर सकते हैं? दो स्क्वेयर ब्रैकेट्स, सर यानी एक चार्ज के लिए बनाए हुए और एक कंसंट्रेशन का, ना सर क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं ना? बड़े मेरे नहीं ख्याल कि आपको दो डालने की जरूरत है, वैसे अगर आप दो डालना चाहते हो तो ठीक है, इस तरह आप कह रहे हो ना, ऐसे कह रहे हो, जी ठीक है सर इस तरह कर दो,
अगर इसमें फिर कोई और कलर यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप बता दो जी एक स्क्वेयर ब्रैकेट तो मैं सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स को रैप करने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी स्क्वेयर ब्रैकेट जो है ये उसके लिए। वैसे ये इतना मैटर नहीं करता, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है, ओके सर। डालना चाहते हो तो डाल दो। सर वैसे अब अच्छा पेपर नेक्स्ट स्कैंड देखिए, होते हैं तो आई इन अ गेस सोल्यूशन द दो कलर्स कंसंट्रेशन ऑफ इस्तेमाल। साइनाइड एंड टेट्रा सियानो क्यूपरेट आर बोथ 0.001 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मुझे लग रहा है बेटा मेरी आवाज बेटा सही आ रही है अभी आपको? सर आपको हमारी आवाज लेट आ रही है। हाँ सर मुझे आपकी आवाज नहीं सही आ रही। बेटा यहाँ पे ना असल में बारिश हो रही है, मे बी उसके से थोड़ा प्रॉब्लम हो। अब देखें जरा सर आई कैन हियर बेटा यू। जी सही है स्टूडेंट्स, सर। मुझे ठीक है बेटा, बीच में अगर आवाज थोड़ी लैग करेगी तो आज भी नेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बारिश यहाँ पर हो रही है इस्लामाबाद में, इसकी वजह से हो सकता है। अच्छा इन अ सोल्यूशन द कंसेंट्रेशन ऑफ साइनाइड एंड दिस इनकी कंसेंट्रेशन उसने ये 0.001, यूज योर एक्सप्रेशन फ्रॉम C1 एंड द वैल्यू ऑफ के स्टेप टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ। बेटा ये जल्दी से खुद करें, शाबाश खुद करें, हरी अप। के स्टेप की वैल्यू ऊपर से नोट कर लें जी, के स्टेप की वैल्यू ये दी हुई है उसने। के स्टेप लिखें जी 2.0 × 10^27, ठीक है, 2.0 × 10^27। और ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 डिवाइडेड बाय जो साइनाइड है ना बेटा CN, उसकी भी कंसेंट्रेशन यही है, लेकिन उसको आपने उसकी पावर 4 लेना है, और कॉपर टू इज अननोन, कॉपर टू अननोन है, और जो साइनाइड है CN वो आपके पास है जीरो पॉइंट जीरो सर जीरो वन टाइम्स 4। जी बेटा आंसर क्या आ रहा है इसका बोलिएगा। आई कैनॉट सी द स्क्रीन, कैन यू रीशेयर इट? सर 5 × 10^-19 फाइव इंटू टेन ठीक है पावर माइनस बेटा, मैं जरा स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, मेरा ख्याल है कोई नेट पे प्रॉब्लम है, एक मिनट मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी बेटा अब देखिएगा, अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। जी सर। जी सर आ रही है। ठीक है बेटा, बेटा बस आप लोगों ने इसके मुझे आंसर जो बताया मैं उसको लिख रहा हूँ। क्या आप लोगों ने आंसर बताया जी, 5.0 × 10^10 माइनस नाइन माइनस 19। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं जो कि मोल से रिलेटेड है। आपको पता है बेटा आपके पेपर 4 में मोल का एक क्वेश्चन लाजमी आता है, लाजमी, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है मोल की भी। अ पीस ऑफ कॉपर कंटेनिंग एलॉय, मतलब प्योर कॉपर नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हैं, उसका मैस आ रहा है 0.567, इट इज डिजॉल्व इन एसिड गिविंग 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ ब्लू सोल्यूशन इन विच ऑल द कॉपर इज प्रेजेंट एज कॉपर 2 आइंस, ठीक है। अब आपने ये किया कि जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था ना बेटा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास कॉपर 2 था, इसमें से आपने 25 निकाला, और इस 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कॉपर था ना, इसमें के आई डाल दिया। के आई की कोई बच्चा मुझे नेचर बताएगा कि के आई की नेचर क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूसिंग। भाई रिड्यूसिंग एजेंट, के आई में ना असल में रोल है आयोडाइड का। आयोडाइड का देखो साइज बहुत बिगर होता है ना, तो आयोडाइड कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोडीन में चला जाता है, तो आयोडाइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आयोडाइड बेटा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये रिएक्शन देखो कि ये कॉपर 2 था और ये आयोडाइड है, आयोडाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर 2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोडाइड -1 से 0 में चला गया, और कॉपर 2 कितने से कितने में जा रहा है भाई, +2 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, कॉपर 1 आयोडाइड बने। डी लेबरेटेड I2, ये जो बेटा I2 बना है ना, इज देन टाइट्रेटेड। आप लोगों ने बेटा AS में जितने प्रैक्टिकल किए ना, तो आयोडीन का रिएक्शन आप थायोसल्फेट के साथ ही करते थे, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपने ये देखना हो ना कि इस सॉल्यूशन में कितना आयोडीन बन रहा है, तो आप उसका रिएक्शन थायोसल्फेट के साथ करते हैं। तो फिर आयोडीन का रिएक्शन आपने थायोसल्फेट के साथ किया और दोबारा आयोडाइड बन गया और S4O62 माइनस। अच्छा अब इसमें क्या होगा,
कितने कितनी कंसेंट्रेशन है जी थायोसल्फेट की, ये 0.02, और कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है इतना वॉल्यूम। पहला काम ये कीजिएगा कि जी मोल्स निकाल लेते हैं थायोसल्फेट के। मोल्स कैसे निकालेंगे, इस वॉल्यूम को ना, वॉल्यूम को इस कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, या रेशियो से निकाल लो जो आपको आसान लगता है। 20.10 टाइम्स 0.02 डिवाइडेड बाय 1000। आपको पता है ना बेटा सबको, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। क्या मोल्स आ रहे हैं जी, 4.02 ठीक है, 4.02 टाइम्स 10^4। -4 अच्छा बेटा, अब वो आयोडीन के मोल पूछता है ना, आपने थायोसल्फेट के मोल निकाले और आप सबको नजर आ रहा है कि इक्वेगर में 2:1 है, आयोडीन के मोल इसके हाफ होंगे, तो मोल्स ऑफ आयोडीन जो है वो 4.02 टाइम्स 10^-4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2.01 × 10⁻⁴। यस 2.01 टाइम्स 10^-4। लेकिन एक बात बताओ, ये मोल्स आयोडीन के जो आपके पास आए हैं, ठीक है अभी वॉल्यूम की बात नहीं करें, ठीक है ये आयोडीन के मोल आ गए। अब जी आपको ओरिजिनल मोल ऑफ कॉपर बतानी है। अब जरा दी इस इक्वेशन का सीक्वेंस देखिएगा, आयोडीन के मोल हैं 2.01 टाइम्स 10^-4। तो आपके पास कॉपर टू के मोल कितने होंगे भाई, ये बताएं कॉपर टू के मोल कितने होंगे, 4.02 × 10⁻⁴ दोबारा डबल हो जाएंगे ना, दोबारा डबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1:2 है भाई, आयोडीन और कॉपर टू में मोल रेशियो 1:2 है, तो ये दोबारा डबल हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ कॉपर टू इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये बात जेन में रखिएगा, क्यों, क्योंकि भाई आपने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर इस 100 से निकाल कर 25 के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो जो मोल ऑफ कॉपर टू आ रहे हैं वो आयोडीन के मुकाबले में डबल हो रहे हैं, तो दोबारा 4.02 टाइम्स 10^-4, ठीक है। अब 25 में इतने आ रहे हैं, 100 में कितने आएंगे भाई, 25 में आ रहे हैं 4.02 टाइम्स 10^-4, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे, एक्स आएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स 4.02 टाइम्स 10^-4 डिवाइडेड बाय 25। जी बेटा अब आपके पास क्या आंसर आ रहा है बोलिएगा, 1.608 × 10⁻³, 1.61 हो गया टाइम्स 10^-3 मोल्स ऑफ कॉपर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने आ गए। अब बेटा देखो आपके पास ये जो, ये अब कॉपर के ओरिजिनल मोल, ओरिजिनल नहीं, ये प्योर कॉपर है, इसमें कोई और चीज नहीं है, क्योंकि भाई आयोडाइड का रिएक्शन कॉपर टू के साथ हो रहा था ना, तो ये आपके पास कॉपर टू के मोल आ गए। अब इस तरह करना है, अपने परसेंटेज बताना है इसमें कितना है, तो बेटा इस मोल को ना मैस में ले जाओ, मैस ऑफ कॉपर टू, तो ये जो मोल्स आए हैं 1.61 टाइम्स 10^-3, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो कॉपर के एटॉमिक मैस के साथ जो कि 63.5 होता है, ठीक है, तो आपके पास मैस ऑफ कॉपर आ जाएगा 0.102 0.102। अब बेटा परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो 0.102 टोटल मास कितना था जी, अलॉय का टोटल मास था 0.567, और टाइम्स 100, सर, आपने 63.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया कि फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास 18 ओवर के परसेंट आर। आपके पास बेटा मोल्स आ गए थे, मोल्स आपके पास थे 1.61 टाइम्स 10^-3, मैस आपको निकालना था, ए आर आपको पता है 63.5, तो मैस निकालना है तो 63.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या, जी, जी बेटा करेंगे। ये वो फॉर्मूला ना, मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर एम आर या ए आर, तो क्योंकि मुझे मैस निकालना था और फिर आगे परसेंटेज भी डालना था। बेटा कितनी परसेंटेज आ रही है, 18% 18 अच्छा। अब बेटा बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन उसका, व्हाई कॉपर टू इज कलर्ड एंड व्हाई कॉपर वन इज व्हाइट। आप अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो सारी बात समझ आ जाएगी। कॉपर जो है ना, पहले कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
पहले मैं 4s2 3d9, फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या होता था कॉपर टू में, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन में क्या होता है कि आप 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में लेके जाते हैं ना, तो यस ये सर, हो जाएगा 4s1 3d10। अब बेटा अगर आपने कॉपर वन बनाना है तो बताओ कॉपर वन, आप ये बात याद कर लो कि व्हेन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म आइंस 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। अगर इसने 1+ बनाना है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बोलो, फोर एस से फोर तो 4s0 एस हो गया जी, ठीक है जी, 4s आपका हो गया 0, d आपका कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर कॉपर 2 होगा तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा3d से रेडी जी, अब मेरी बात सुनिएगा, जिसमें जब आप ये पढ़ते थे ना कि ये ट्रांजिशन मेटल्स कलर्स क्यों शो करते हैं, तो उसमें आप पूरी एक स्टोरी पढ़ते थे कि लाइगेंड्स जब अप्रोच करते हैं डी ऑर्बिटल्स को तो उनमें रिपल्यन होती है, किसमें, डी के इलेक्ट्रॉन्स में और जो लाइगेंड के लोन पेयर है, और उस रिपल्यन की वजह से डी सबशेल आपका स्प्लिट होता है टू सेट्स में, है ना। और फिर आप कहते थे कि जब अब यूवी लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर से हाईर, बट अगर इस केस में इसमें कॉपर वन है, कॉपर वन के केस में बताओ ये जो दो आपके पास डी डी स्प्लिटिंग जो हुई है, इस डी डी स्प्लिटिंग के रिजल्ट में ये जो दो आपके पास सेट्स बने हैं डी सबशेल के, क्या कॉपर वन में ये दोनों सेट्स कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं है नहीं है जी। सर, फील्ड नहीं, सर, फील्ड है कॉपर वन की बात फील्ड कर रहा हूँ, कॉपर वन में क्या ये दोनों जी। कंप्लीटली फिल्ड है। अगर आप बेटा इस कॉपर वन को विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट देते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो सकती है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, नो नो सर, सर, लाइट नो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इनको जंप करने के लिए ऊपर कोई खाली जगह ही नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपर टू को देखो, कॉपर टू जब इसमें बेटा डी डी स्प्लिटिंग होगी, ये ऐसे होगा, देखो ये ऐसे है कॉपर टू, 9 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको बेटा व्हाइट लाइट देते हैं ना तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे से जंप करके ऊपर जाएगा, यहां पर प्रमोशन होगी और ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। जबकि कॉपर वन में कोई एब्जॉर्बेंस हो रही है व्हाइट लाइट में से, नहीं सर, नहीं हो रही। अब बेटा आप यहाँ पर ये लिखोगे, यस ये आपने बेटा यहाँ लिखना है कि जो कॉपर वन है, कॉपर वन उसमें डी सब शेल इज फुली फिल्ड, सो नो इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड, वाइल इन कॉपर टू, इस तरह लिखते हैं, इन सो कॉपर टू सर, आयोडीन का भी कलर होता है ना व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग एज अ सेपरेट एटम और समथिंग, पर आयोडीन जब का वो एक एक मिनट बता बेटा, एक मिनट सिर्फ पहले इसको कंप्लीट कर लें। इन कॉपर टू द 3d सब शेल इज नॉट फुली फिल्ड, सो इट एब्जॉर्ब्स दी व्हाइट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इज, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड व्हाइल इन कॉपर वन 3d सबशेल इज फुली फिल्ड, सो नो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड नो लाइट इज एब्सॉर्ब। अच्छा बेटा अब जो आयोडीन की बात करें उसके 3 कलर्स नोट कर ली, आयोडीन सॉलिड स्टेट में ग्रे ब्लैक, आयोडीन का जो सोल्यूशन होगा वो आपको ब्राउन सोल्यूशन देता है, आयोडीन की बात कर रहा हूं, आयोडाइड इज कलरलेस,
बट आयोडाइड कलरलेस होता है, ये बात ध्यान में रखें, आई माइनस वन इज कलरलेस। मैं जो बात कर रहा हूँ आयोडीन की बात कर रहा हूँ, आई टू। तो आई टू सॉलिड स्टेट में आपका होगा ग्रे ब्लैक, आई टू अगर सोल्यूशन की फॉर्म में होगा तो ब्राउन, और आई टू अगर गैशियस फॉर्म में है तो पर्पल या वायलेट वेपर्स। जी बेटा, आयोडाइड का कलर नहीं होता, ठीक है। जी नेक्स्ट देखें, फाइव लाइगेंड्स आर लिस्टेड। आपने कहना है जी कंप्लीट द टेबल 6.1 यूजिंग द वर्ड मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट ओनली। ईच ऑफ दीज थ्री वर्ड्स मे बी यूज वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। अमोनिया जो है ये आपको पता है मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट मीन जो एक लोन पेयर शेयर करता है, बाइडेंटेट मीन जो दो लोन पेयर शेयर करता है या दो डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो ये बेटा आपका मोनोडेंटेट है। ईडीटीए पता है क्या होता है? ये होता है इथाइलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। इस तरह के इसका स्ट्रक्चर होता है। सर ईडीटीए का स्ट्रक्चर याद कर देखता सकते हूँ, हैं? सर बड़ा याद कर ले तो अच्छी बात है ना। देखिए इस तरह अगर उसने पूछा हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा? फिर मैं इसको साफ पेज पे बनाता हूँ, एक मिनट, यहाँ बना देता हूँ बेटा। अब देखिए जी, इसमें कितने डेटिव बॉन्ड बनेंगे? ये एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा बनाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। और नेट चार्ज क्या आता है जी इस पर? ईच ऑक्सीजन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो फोर माइनस चार्ज आ रहा है। और ये हेक्साडेंटेट है, मतलब छह डेटिव बॉन्ड बना रहा है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? पोलीडेंटेट। यहां पर आप लिख देंगे ये पोली डेंटेट लाइगेंड है। सीएन, ये बेटा मोनोडेंटेट है, एक ही डेटिव बॉन्ड है, ये शेयर बनाता है विद मेटल एटम और आयन। ये देखें ये ट्राइडेंटेट है, वन ये टू ये थ्री, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है। ये सी टू ओ फोर का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। ये सी टू ओ फोर पता है असल में किससे बना है? ये होता था इथेन डायोइक एसिड ना, इथेन डायोइक एसिड। तो इथेन डायोइक एसिड का अगर आप बस एच हटा देना, एच ये देखो, तो ये आपका C2O4। इसका स्पेशल नेम ऑक्सिलेट, इसको ऑक्सिलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका बाइडेंटेट है, देखो दोनों ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज बाइडेंटेट लाइगेंड। अच्छा, सजेस्ट द मीनिंग ऑफ ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का मतलब ये होगा कि विच कैन डोनेट थ्री लोन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, विच कैन डोनेट थ्री लोन पेयर टू दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। हाउ NH2 CH2 CH2 ये एक्ट एज अ ट्राइडेंटेट लाइगेंड। अच्छा आप ये बताएंगे कि भाई, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आप लोग सही आंसर नहीं देते। वो कह रहे कि बताएं कि ये कैसे ट्राइडेंटेट लाइगेंड के तौर पर एक्ट करेगा। जी बताएं इसका क्या आंसर होगा? आपको क्या समझ आ रहा है? आप बताएंगे इट हैज थ्री जी नाइट्रोजन, इट हैज थ्री नाइट्रोजन एंड ईच नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर, ठीक है ना। इट हैज थ्री नाइट्रोजन एंड ईच नाइट्रोजन शेयर्स इट्स लोन पेयर टू दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। नेक्स्ट देखें, निकल फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिस्ट इन थ्री आइसोमेरिक फॉर्म,
ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म। अब देखिए पहले तो ये सोचें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? ई एन से क्या बनता है? ई एन, ई एन से पता है क्या बनता है? इथाइलीन डाईइमाइन, ये बनता है जी, अच्छा एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू। पहले तो ये जेहन में रखें ना कि इथाइलीन एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, ये इससे बनता है, ठीक है। और अब इसमें निकल में ना दो इथाइलीन डाईइमाइन है और दो सिक्स वाटर है। अब बेटा इसका, हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और इसका ट्रांसफॉर्म ऐसे बनेगा, ये जो वाटर है ना, अच्छा पहले तो ऑक्टाहेड्रल की शेप देखो, इस तरह की दो लाइंस, फिर दो डॉटेड, और फिर दो बेटा आपने वेज ऐसे। अगर आपने ट्रांसफॉर्म बनाना है ना ट्रांस, तो वाटर को ऑपोजिट लगा दो ऐसे करके, ये ट्रांस बन गया। और अब ये देखना कितने आसानी से बन जाएगा अभी, CH2 CH2, और ये, और दूसरा लाइगेंड बेटा यहां लगा दो बाइडेंटेट, NH2 NH2 लिखा पहले, ये CH2 लिखा, ये CH2 लिखा, और ऐसे कर दिया, ठीक है जी। ये आपका ट्रांस हो गया ना। ट्रांस की पोलैरिटी क्या होगी बेटा, पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन नॉन ट्रांस पोलर। नॉन पोलर होगा। वाटर जो है ना बेटा, ये दोनों जो निकल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नॉन पोलर है। ये बिल्कुल वैसी है जो आप ए एस में पढ़ते थे ना, सिस, जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स, वहां पर आप कहते थे ना ट्रांस नॉन पोलर है क्योंकि उसमें डायपोल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, वही चीज यहाँ पर है। अब सिस आइसोमर 1 एंड 2, ये देखें जरा जी कि ये कैसे बनेगा। अगर मैं इसको बेटा इधर बना दू, यहाँ तो जगह नहीं है, इधर बनाता हूँ सिस आइसोमर 1 एंड 2, फिर मुझे वो पोलैरिटी कैंसिल होने वाली बात समझ नहीं आई जो आपने बोला, ट्रांस में एसिस में कैंसिल हो जाता है। ये बताएं जब आप लोग ए एस में ये पढ़ते थे, इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आप लोग क्या कहते थे बेटा? क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच रहा है, राइट। हम एज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में जो इसका डायपोल है वो है +0.34, डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये है, ठीक है। अब दूसरा क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है। बेटा देखो ये इक्वल फोर्सेज है ना, इक्वल फोर्सेस के साथ है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका जो डायपोल होगा वो कितना होगा? -0.34। तो क्या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कट डाउन करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी क्योंकि देखो जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ट्रांस के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल होता है ना वो नॉन पोलर बन जाता है क्योंकि जो डायपोल्स है वो कैंसिल आउट होते हैं। तो यहां पर भी बेटा ये जो मैंने ट्रांस बनाया था इसमें डायपोल कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे, एक वाटर ऊपर और एक नीचे। जी हो रहा था। अच्छा अब वो कह रहे सिस बनाओ, सिस सिस देखो इस तरह बनेगा। सर ट्रांस में हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ ट्रांस में अगर वो सेम है, अगर दोनों एक दोनों वाटर हैं या दोनों अमोनिया है, अगर एक वाटर लिया हुआ है ऊपर और एक नीचे अमोनिया कर दिया है, फिर तो वो जहरी बात है, नहीं होगा ना, फिर तो डायपोल्स कैंसिल आउट नहीं होंगे। अच्छा बेटा इसमें अब देखना कि मैं सिस कैसे बनाऊंगा, वाटर को 90 डिग्री अपार्ट। सिस यही होता है ना कि आप जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स हैं उसको 90 डिग्री अपार्ट कर दो। इसको लिखने का ये स्टाइल भी है, पता है ना सबको कि बाय इसको इथाइलिन डायमाइन को। यस सर, अच्छा देखिए ये एक बात जरा आप सोचें भाई, वो कह रहे हैं कि सिस के दो आइसोमर हैं, सिस आइसोमर 1 आइसोमर 2। इसके ना अपने सिस आइसोमर बनाने हैं, दो हैं, एक तो मैंने बना दिया, दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा बनेगा, बताएं जरा। दूसरा ये ऑप्टिकल राइट साइड पे हो ऑप्टिकल जाएगा, दूसरा इसका नहीं भाई, दूसरा इसका मिरर इमेज होगा, अल्लाह के बंदे, दूसरा इसका मिरर इमेज बनाओ। ये देखो ये मिरर इमेज नहीं बन जाएगा इसका, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये दोनों वाटर इधर आ जाएंगे और ये ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज़म, बाइडेंटेट, जी बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म। बिल्कुल। देखो ना जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में दो बाइडेंटेट लाइगेंड आ रहे हो तो उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है ना। ये एक आपका आइसोमर और ये उसका मिरर इमेज। और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। आप इस ए को उठा के बी के ऊपर रखो, इस ए को उठा के बी के ऊपर रखो, तो क्या ये वाटर वाटर के ऊपर आएगा या इस जगह पर आएगा बेटा? ये वाटर किस जगह पर आएगा? इस जगह पर आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एक जैसे ग्रुप
एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आ रहे। तो अब वो यहां पर यही तो पूछ रहे आपसे कि जी अच्छा सिस में क्या होगा, सिस में ये आपके पोलर होंगे बेटा, ये देखो ना ये डायपोल्स कैंसल आउट तो नहीं हो रहे ना, यहाँ डायपोल्स कैंसल आउट नहीं हो रहे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वाटर नहीं लगे हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो लिहाजा सिस इज पोलर, एक तो ये पोलर होगा। अब आगे वो कह रहा है कि ईच टर्म, अच्छा डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिस आइसोमर वन एंड सिस आइसोमर टू, सुपर तो आप इम्पोसिबल बताएं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स, सर, तो ऑप्टिकल आइसोमर में तो पैरेलल सेंटर होते हैं। बेटा कायरल सेंटर आपने ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमर्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में बेटा, जी सर, ठीक है, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाते थे, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में कायरल कार्बन होते थे क्या? तो असल में क्राइटेरिया कायरल कार्बन नहीं है, क्राइटेरिया है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अगर किसी के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रहे हैं तो कायरल कार्बन चाहे ना हो। देखो ना आप, हम ट्रांजिशन मेटल में ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल में तो कायरल कार्बन नहीं होता, वहां तो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ट्रांजिशन मेटल और लाइगेंड्स होते हैं, वहां तो कायरल कार्बन नहीं होता, तो कायरल कार्बन का होना लाजमी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कायरल कार्बन की वजह से बनते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन नहीं होगा ना, उसमें तो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, तो वहां पर फिर जो कायरलिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर नॉन सुपर ओके सर, इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, कायरल कार्बन का होना मस्ट नहीं है। अच्छा अब बेटा आते हैं ऑर्गेनिक पर, ऑर्गेनिक इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। ये असल में ना जो 4-3 वेरिएंट हैं ये थोड़े से ज्यादा डिटेल मांगते हैं। ये देखें जी, पहला ही जो इसने रिएक्शन दिया है मैं इसको थोड़ा फ्लिप कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको ये है बड़ा आइडिया है इस रिएक्शन का, आपको याद सिर्फ करवा, लाइट से आप रिलेटेड लोगों है, ने ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डाई एजोन जोड़ा ब्लू डाई लाइट पाते पढ़ा, हैं, जी डाइजोनियम। बेटा मैं आपको याद करवा दूं, देखें फिनाइलमाइन होता था, फिनाइलमाइन का ना आप रिएक्शन करवाते थे HNO2 और HCl के साथ, टेम्परेचर रखते थे 5 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री रखते थे, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर बेटा आप इसका ना रिएक्शन करवाते थे फिनोल के साथ या किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ से पैरा पोजीशन से एच निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, सीएल को मैं काट रहा हूँ, और फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना बेटा, ये पूरा बेंजीन डाइजोनियम ये इस एच कर देगा, ये क्या होता था जी? और एच प्लस निकलता था, और ये जो स्टेप होता था ये आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन होता था। अल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए लेते थे बेटा क्योंकि ये जो एच प्लस बन रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इसमें मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया तो उस टाइम भी बताया था कि अब वो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि आपको डाई दे देता है बनाकर और कहता है रिएक्टेंट तक जाओ, तो भाई जब जब भी इस तरह का डाई आ जाए ना डाई, तो आप क्या करो यहां से इसको रिंग को तोड़ो और ये N2 को इधर जोड़ दो, आपको समझ आ जाएगी भाई एक तो बेंजीन डाइएजोनियम है और दूसरा आप कहां से पता चल जाएगा फिनोल है, और बेंजीन डाइएजोनियम के पीछे क्या होगा फिनाइलमाइन होगा। तो ये है सारी स्टोरी जो भी हम यहां पर करेंगे। देखो बेटा ये है आपके पास डाई, ठीक है, अच्छा मुझे अभी ये समझ नहीं आ रही कि मैं यहां से तोड़ू या यहां से, वो समझ आ जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसके जरा रिएक्शन देख लो। कह रहा है कि सनसेट येलो इज एन एडिटिव यूज फॉर द कलरिंग फूड, अ सिंथेटिक रूट फॉर मेकिंग सनसेट येलो इज शोन, मॉलिक्यूल ENG, मॉलिक्यूल ऑफ ENG कंटेन 1SO3 ग्रुप, दिस ग्रुप्स आर अनचेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ सनसेट येलो। देखो आपको यहाँ इमाइन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा इमाइन NH2, तो आपको समझ आ गया ना कि बेंजीन डायजोनियम यहीं से बनेगा है ना, तो बेंजीन डायजोनियम आपने यहीं से बनाना, तो ये जो बेटा आपके पास आ रहा है SO3 C6H4, SO3 है देखो और ये 6 कार्बन का रिंग है, और H4 पता है कहाँ से है, ये 4 हाइड्रोजन है बेटा, ये देखो 1 2 3 4। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि ये
ई से आ रहे हैं, तो ये बात ठीक है, इस पर कोई एतराज तो नहीं है ना आप लोगों को? देखें अगर आप जी जी को सर, ठीक देखें है। तो जी में आपको वैसे भी नजर आ रहा है कार्बन बहुत ज्यादा है, जी में जरा चेक कीजिएगा 10 कार्बन है। ये देखो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन है, और एक SO3 ग्रुप लगा हुआ और एक OH लगा हुआ है। तो अब आपको थोड़ी हद तक क्लियर हो रही होगी कि ये जो पार्ट है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, ये ई वाली साइड से आ रहा है। तो स्टेप वन में क्या होगा, ये इस तरह कहिए, अब ये जहां तक अब नजर आ रहा है मुझे, ये चीज बन रही है ना जी, ऐसे ही होगा ना ई, चेक कीजिएगा जी जरा, सर, मैंने यहां से हिंट लिया है। अब वो क्या कर रहा होगा जी स्टेप वन में, खुद गेस करें, बेंजीन डायजोनियम बनाना है तो स्टेप वन में वो ये कर रहा होगा कि नाइट्रस एसिड प्लस HCl और टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर ये होगा आपका N2+ बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखना लाजमी नहीं है बेटा ये, और ये जो बेटा पार्ट है ना रिमेनिंग पार्ट, ये आपका इधर से आ रहा है, और इसको यहां लिख दो ऐसी करके। रिंग OH SO3 1-, ठीक है जी, ये वो आपसे नीचे पूछ रहा होगा। अब देखिए ना, स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सनसेट येलो इनाइन, यस, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन्स काउंट कीजिएगा जी, हाइड्रोजन्स बेटा ये देखें रिंग के, आप रिंग का मतलब है कि हर कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये हो गया जी फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, टेन नाइन, और ये 10, 10 हाइड्रोजन्स हैं। अब आप नाइट्रोजन अगर देखें तो आपको ये 2 नाइट्रोजन के अलावा और तो कोई नहीं मिल रहे, 2 नाइट्रोजन है। सल्फर भी बेटा आपके पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लें, 3, और सेवन ये 3 6, और ये 7, तो O7 है, ठीक है जी, और नेट चार्ज पर 2- आ रहा है। अच्छा आगे कह रहे हैं कि डिड्यूस स्ट्रक्चर, वो हमने कर लिया बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सजेस्ट सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। हाँ अब बेटा स्टेप 1 तो मैंने आपको बता दिया ना, कि स्टेप 1 के अंदर आपने HNO2+HCl और जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस रखना है। स्टेप 2 बेटा क्या रीजन है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है, ये बताओ कि तो एच प्लस अल्कलाइन लेते सॉल्यूशन क्यों लेना है भाई? हैं, एच प्लस को देते हैं, जी एच मैंने प्लस को आपसे देते बेटा अभी ये बताया, मैंने आपको ये बिल्कुल ठीक है, मैंने बेटा आपको ये बताया हैं। कि फिर ये एन आयन जो जब -2 कहाँ से आया? ये ना, ये देखो, ईच ऑक्सीजन हैज 1-1-, सर ये जरूरी है लिखना बेटा माइनस? उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे है इनाइन, उसने वैसे लिखा हुआ है, आप ना भी लिखें लेकिन अच्छी बात है, लिख दें बेटा उसको, देखें पता नहीं होता, उसको मौका ना दें कि वो आपके मार्क्स काटे ना, जब -2 आ रहे तो आप लिख दें कि क्योंकि ईच SO3 हैज -1। अच्छा बेटा देखिए, ये अल्कलाइन की मैं आपको बात बता रहा था, अल्कलाइन क्यों लिखना है कि ये जो जी मॉलिक्यूल है ना, ये जी है, असल में इस एच को पहले रिमूव करना है, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा और फिर ये बेंजीन डायजोनियम इधर आकर अटैच होगा। तो ये जो बेटा H+ निकला है ना, इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, तो आप अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन। प्रिडिक्ट द नंबर ऐसे नहीं आ ऑफ रही पीक इन द थी कार्बन 30 NMR स्पेक्ट्रम। जी बेटा आप, जब हाइड्रोजन की बात कर रहे थे आपकी आवाज ऐसे नहीं आ रही थी, कैन यू रिपीट इट? अच्छा, मैंने ये कहा है बेंजीन के बेटा जब आप रिएक्शन पढ़ते थे, बेंजीन के अंदर जब आप रिएक्शन पढ़ते थे कि बेंजीन का आपने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होता था, H+ की फॉर्म में रिलीज होता था या नहीं, जब आप नाइट्रेशन करते थे या अल्काइलेशन करते थे होता H+ की फॉर्म में? तो बेटा मैं यहां कह रहा हूं कि
हाइड्रोजन जब प्लस की फॉर्म में रिलीज होगा ना यहाँ पर, तो इस एच प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं। अगर आप अल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं लेंगे ना, तो पता है क्या होगा, ये जो एच प्लस है ना, ये इस नाइट्रोजन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा और आपके को डाई में इंटरफेयर करेगा। आपका डाई जो है ना, इससे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो इस एच प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यू यूज अल्कलाइन सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द सनसेट येलो एनाइन। ये थोड़ा सा ध्यान से करें भाई, इसमें आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है 13, कार्बन 13 एनएमआर है ना, उसकी कितनी पीक्स आएंगी। डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने आपने, देखो एक ये रिंग है, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। इस रिंग की कितनी पीक्स आएंगी भाई कार्बन 13 की वजह से? यस इसकी चार पीक्स आएंगी। देखिए इस तरीके से है, इसकी एक पीक आएगी इस कार्बन की, इन दो कार्बन की एक पीक आएगी बेटा, फिर इन दो कार्बन की एक पीक आएगी बेटा, यस और फिर इस कार्बन की एक पीक आएगी। तो चार पीक्स इसकी आएंगी। देखो ये क्या मतलब है, इन दो कार्बन की एक पीक का क्या मतलब है, सुनो। इसका ये मतलब है कि बेटा यहाँ जो कार्बन है ना, ये वाला और ये वाला जो कार्बन है, इसका आप देखें बिल्कुल सेम ग्रुप लगा हुआ है ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके इन्वायरमेंट में सेम एटम्स हैं, इसलिए इनको फ्लिप करवाने के लिए इस एक जितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए एक जैसी पीक इनकी वजह से आएगी। तो इन दो कार्बन की एक पीक, फिर इन दो कार्बन की एक पीक, और इस एक कार्बन की एक पीक, ठीक है। जो चार पीक्स यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये जो रिंग है ना, ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ना, इसकी एक पीक आएगी, क्यों? क्योंकि इसके साथ OH लगा हुआ है और नीचे क्या लगा हुआ है, N लगा हुआ है। 10 पीक्स होंगे सर, बड़ा इस, 14। मैं बताता हूँ बेटा, बड़ा इस कार्बन की कितनी पीक आएंगी, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इस कार्बन की भी एक पीक आएगी ना, क्योंकि इस कार्बन के साथ N लगा हुआ है। आप पूरे रिंग में देखो, आपको और तो कोई इस तरह का कार्बन नजर नहीं आ रहा जिसमें इस तरह का N लगा हो। तो दूसरी पीक, अच्छा इस कार्बन की भी एक अलग से पीक आएगी, अब एक पीक इस कार्बन की आएगी बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा इस कार्बन के साथ आप अगर इन्वायरमेंट चेक करो ना, देखो इधर CH2, CH2 और SO3 लगा हुआ है, और इस साइड पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है। आपने बेसिकली इन्वायरमेंट देखना है लेफ्ट राइट दोनों साइड पर। तो आप यहां पर ये चीज नोट करोगे कि हर कार्बन की आपको एक अलहदा से पीक मिलेगी, हर कार्बन की आपको अलहदा से पीक मिलेगी इस रिंग में। तो अब चार पीक इसकी वजह से आ रही हैं, और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल पीक्स जो आ रही है ना बेटा, वो 14 आएंगी आपकी। मैं आपको कोई एक इसमें बता देता हूँ, एक मिनट, चले इन दो को कंपेयर कर लेते हैं बेटा, अगर आपको मसला आ रहा है। मैं कहता हूँ जी कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला, इसके साथ देखो नेक्स्ट कार्बन और SO3 लगा हुआ है। अच्छा यहाँ देखें इस कार्बन को, इसके साथ जी कार्बन लगा हुआ है, और कार्बन के साथ फिर कार्बन लगा हुआ है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हुआ ना। आपने बेटा बिल्कुल आगे तक और पीछे तक देखना है, क्या सेम एनवायरनमेंट है या नहीं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हर कार्बन का एनवायरनमेंट आपको डिफरेंट मिलेगा, इसलिए 14 पीक्स में कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ये है, कैप्सिसिन इज फाउंड इन चिली पेपर्स। ये बेटा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन उसने कह दिया कि दिस इज अनरिएक्टिव, तो इसको आप इग्नोर कर दें। एक फंक्शनल ग्रुप है जी इसके पास ये, इसको क्या कहेंगे जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फिनोल फिनोल है, फिनोल दिस इज फिनोल, ठीक है जी, ये आपका आ गया फिनोल। पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड लिंकेज, अमाइड, अमाइड एमाइड लिंकेज, या अमाइड एमाइड या एमाइन? एमाइड माइड बड़ा एमाइन कैसे होगा फिर, एमाइन, अमाइड यस शाबाश, एमाइन अगर होता ना तो एमाइन ऐसे होना था भाई, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ का रोल नहीं होना था, उसमें बस CH2 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 होना था आगे पीछे, ठीक है ना। उसके ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच जो आ रहा है, तो ये आपको एमाइड समझ आ रही होगी कि दिस इज एमाइड। और तीसरा देखें आपको बेटा यहाँ पर,
एल्कीन नजर आ रहा है। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं, अगर ओएच ना होता फिर कितने फंक्शनल ग्रुप बताने थे जी आपने? टू फिर भी तीन टू है, फिर बेंजीन भी हो गया बेंजीन, ना। फिर भी तीन है, फिर फिनोल की जगह ओ बेंजीन कहना था, यस फिर आपने फिनोल की जगह बेंजीन कहना था बेटा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्लीट द एल्केन इक्वेशन। ने मेंशन करते जी बेटा, हैं, एल्केन ने मेंशन करते एल्केन इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है रिएक्टिव पार्ट ना, एल्केन में तो कोई रिएक्टिव पार्ट ही नहीं होता, ऑल बॉन्ड्स आर कार्बन हाइड्रोजन, एक जैसे बॉन्ड्स होते हैं सारे। हैं। हाँ यस सर, ओके। अच्छा अब बेटा देखें कि कह रहे कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैप्सिसिन विद एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन द डार्क, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा बेटा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है, और डार्क में कर रहा है, आपको पता है कि एक तो एल्कीन के साथ रेडिली रिएक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा एक तो आपने बेटा इधर रिएक्शन करवाना है, और दूसरा देखें ये जो फिनोल है ना, आपने टेस्ट भी हाँ पढ़ा होगा कि फिनोल जो है उसमें ओएच ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो बेंजीन को बड़ा रिएक्टिव बना देता है। वैसे तो बेटा अगर आपने बेंजीन में ब्रोमिनेशन करनी हो ना तो आपको बड़े कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, AlBr3, लेकिन फिनोल के अंदर ब्रोमिनेशन बड़ी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि फिनोल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और फिनोल क्या करता है इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर यह मसला है कि इसका जो ऑर्थो है ना वो एक ही खाली है, बाकी ऑर्थो और पैरा ऑक्यूपाइड है। तो आप बेटा क्या करोगे, एक ब्रोमीन इधर भी लगाओगे इस जगह पर, और डबल बॉन्ड को भी खत्म करके वहां पर आपने ब्रोमीन अटैच करना है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनने जा रहा है जी। OCH3 ऐसे ही रहेगा, ये OH, ये Br इधर आ CH3 जाएगा। हो तो उसने इग्नोर करने का बोला। क्या बोला बेटा? सर CH3 हो जो ग्रुप है वो इग्नोर करने का बोला ना उसने ऊपर। जी बेटा उसने कहा OCH3 को आपने यूज ही नहीं करना, बिल्कुल तो फिर हम ऑर्थो पे लगा सकते हैं ग्रुप में। नहीं, तो इसको उतार नहीं सकते ना, ये अनरिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो इसको आप रिएक्टिव क्यों कर रहे हो भाई? अनरिएक्टिव का मतलब है कि ये बस इसको छेड़ना नहीं है, ये इसने ब्लॉक की हुई है जगह यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, वो जगह उसने ब्लॉक की हुई है, उसको आप क्यों छेड़ोगे? जी सर, ये आ गया जी आपके पास। अब देखो यहाँ पर तो चलो ब्रोमीन ऐड होगा, लेकिन यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ पर ये जो एच है ना ये निकलेगा तो यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, तो आपने HBr भी बनाना है भाई साथ में। अक्सर बच्चे ये HBr नहीं लिखेंगे, और अब आपको पता समझ आ रही होगी कि आपको कितने ब्रोमीन चाहिए, 2 मोल्स, 2 मोल्स ना, क्योंकि 1 मोल तो ये एल्कीन में चला जाएगा, फिर जो दूसरा मोल सर होगा आपने वो एक चेन छोटी की है क्या? बेटा देख लेना खुद ही, आप चेक कर लें उसको, पूरा कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि इसमें एक कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक कम है बेटा, इसको चेंज कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी अब आज नेक्स्ट, कैप्सिसिन इज हीटेड विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल, द सिक्स्थ मेंबर रिंग रिएक्ट्स इन द सेम वे एज द बेंजीन अंडर दिस कंडीशन। आपको पता है ना बेटा कि बेंजीन वैसे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन जब अगर आप इसको हार्श कंडीशन दें तो इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है, और उसमें डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो अब वो ये कह रहा है कि आप इस कैप्सिसिन को इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हो जी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैटलिस्ट, हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट, बस आपने रिंग खत्म कर देना है और यहां से ये बॉन्ड खत्म कर देना है बेटा। अच्छा ये बताओ ये एमाइड की रिडक्शन, एमाइड की रिडक्शन किससे होती है भाई? एमाइड की LiAl4, रिडक्शन LiAl4 ट्राइस्टर। LiAl4 से, तो लिहाजा इस एमाइड को नहीं छेड़ना, बस OCH3, ये OH, NH, C डबल बॉन्ड हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा जी, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए जी, व्हेन कैप्सिसिन इज ट्रीटेड विद रिएजेंट जे अंडर सूटेबल कंडीशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। हाँ बेटा, वो कह रहे कि कैप्सिसिन को आपने ना एक रिएजेंट जे से ट्रीट करवाया और मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बना है। जरा देखें देखें, वो मॉलिक्यूल टूट रहा है, मॉलिक्यूल टूट रहा है जी। तो आपको समझ आ रही होगी कि मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है ना, तो इसका मतलब एल्कीन से रिएक्शन हो रहा होगा और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ये ऐसे है, अगर आप बेटा इसका रिएक्शन करवाओ ना, हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड केमनोफोर से, एएस पे रिएक्शन पड़ा था ये, एएस में। आपको पता है कि अगर एल्कीन का रिएक्शन आप कोल्ड डाइल्यूट से करवाते ना, कोल्ड डाइल्यूट से, फिर क्या होना था, सिर्फ डबल बॉन्ड टूटना था और हर कार्बन पर OH आना था। याद है बेटा, अगर आप डबल बॉन्ड के अंदर कोल्ड जी डाइल्यूट सर, केमनोफोर डालो तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा और हर कार्बन पर OH आएगा। लेकिन यहां पर हॉट कंसेंट्रेटेड के साथ अगर करते हो तो आपके ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे। और फिर आपने तीन केस पढ़े थे। पहला केस कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, फिर क्या पढ़ा था भाई, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो वो किस में जाएगा, कार्बोक्सैलिक अल्डिहाइड एसिड में, कार्बोक्सैलिक एसिड में। तो भाई इसका कार्बोक्सैलिक एसिड बनाओ ना जरा, अब जरा इसका कार्बोक्सैलिक एसिड बनाओ, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक है। तो ये CH3, ये देखे ना, ये CH3 आ जाएगा, सी CH3, और ये सी डबल बॉन्ड OOH। ये देखे ना बेटा, इस पार्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, इस पार्ट के। ये कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, और जहां से रिंग, जहां से आप डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, वहां पर कार्बोक्सिलिक लगाओ। इस जगह पर बेटा, जिस कार्बन में मैंने स्टार बनाया है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो। तो ये बेसिकली आपके पास ये बना है, देखो CH3, CH, CH3, सी डबल बॉन्ड OOH, ये बना है जी। इस तरह था ना, इस तरह था, यहां से तोड़ दिया बस आपने ऐसे करके। तो ये CH3, ये CH, ये CH3, और ये जो सी है ना, इसको कार्बोक्सिलिक मिलेगी, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द रिएजेंट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड के एमनोफोर, ये होगा जी। अब आपने इसका स्पेक्ट्रम देखना है जी। स्पेक्ट्रम तो हम पहले इस तरह डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले मुझे ये बताएं बेटा, मैं कुछ बातें आपसे पहले रिवाइज करवाता हूँ। जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है ना, एनएमआर, इसके अंदर वैसे जनरली आप सॉल्वेंट यूज करते हैं CDCl3, डी से बनता है ड्यूट्रियम। अब यूज करते हैं सॉल्वेंट CDCl3 एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रियम, दिस इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन बेटा सम टाइम आप D2O भी यूज करते हैं, D2O। D2O जब आप यूज करते हैं ना, तो उसके पीछे मकसद होता है कि आप अल्कोहल की पीक को आइडेंटिफाई करें और एमाइन की पीक को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो D2O का ड्यूट्रियम है, ये अल्कोहल के एच को भी रिप्लेस कर देता है और एमाइन्स के एच को भी रिप्लेस करता है, ठीक है। अब आ जाए दूसरी बात, ये जो टू हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड बना, इसी तरह पीक्स देखते हैं। पर एक तो पीक इसकी आएगी सिंगल एक्ट, इस OH के एच की सिंगलेट पीक आएगी। अच्छा, इस हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी एक पीक आएगी। आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, N+1, एक पीक तो इसकी आएगी। N है नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन, सर पर इसके वेरी नेक्स्ट कार्बन को देखो तो दो हैं इसके पास कार्बन, और उन दो कार्बन के पास टोटल सिक्स हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो वेरी नेक्स्ट कार्बन नेबर में छह हाइड्रोजन है, तो 6+1 7, तो इसका मल्टीप्लेट मतलब सात पीक्स आएंगी, मल्टीप्लेट, ठीक है। और अगर आप बेटा इन येलो वाले हाइड्रोजन को देखो ना, तो इन इन दोनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, ये दोनों मिथाइल सेम कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना, तो इन छे के छे हाइड्रोजन की, ये जो येलो कलर के, इनकी एक पीक आएगी, N+1, इनकी एक ही पीक आएगी भाई। एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन, इन दोनों कार्बन के नेबर में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहे हैं भाई, इनका डबलेट हो डबलेट, जाएगा।
इनका डबलेट आएगा, इन येलो वाले हाइड्रोजन का डबलेट आएगा। अब बेसिकली वो आपसे यही चीज यहां पर पूछेगा, देखो वो कह रहे जी के यूज द टेबल 8.1 टू कंप्लीट द टेबल 8.2, इस डाटा को यूज करें और नीचे 8.2 को फिल करें। द टिपिकल प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज फॉर द प्रोटॉन, द स्प्लिटिंग पैटर्न सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट वगैरह बताएं, और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्प्लिटिंग बताएं कि क्यों ट्रिपलेट बन रहा है क्यों डबलेट बन रहा है। तो सबसे पहले CH3 पर आ जाए बेटा, बड़े इन CH3 की पीक्स क्या आ रही थी आपके पास, इन CH3 की पीक्स क्या आ रही थी भाई, डबलेट डबलेट डबलेट। अच्छा, और इस CH3 के नेबर में क्या है ये बता दें CH जी, CH को आप एल्केन कह सकते हैं, ये सब एल्केन्स हैं। अच्छा बाद बच्चे कहते हैं सर ये ग्रेटर का साइन क्यों, भाई ये ग्रेटर का साइन नहीं होता, ये ना कार्बन के दो बॉन्ड्स को इस तरह शो कर रहा होता है तो ये ग्रेटर नहीं है। तो आप CH3 को भी एल्केन कहते हैं, CH2 को भी एल्केन कहते हैं, CH को भी एल्केन कहते हैं, कि अगर नेबर में CH3 आ रहा है, CH2 आ रहा है या CH आ रहा है तो आपकी पीक इस रेंज के दरमियान आएगी। तो भाई इन दोनों मिथाइल के नेबर में CH ही आ रहा है ना, तो इसकी पीक आएगी 0.9 से 1.7 के दरमियान, 0.9 से 1.7 के दरमियान। और सिपरेटिंग पैटर्न क्या आ रहा है बेटा इसका, इन दो मिथाइल की वजह से जो पैटर्न होगा वो डबलेट होगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द सेपरेटिंग पैटर्न, बड़ा इन दोनों मिथाइल्स के नेबर में एक हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, वन हाइड्रोजन टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन, इसलिए डबलेट आ रहा है। अच्छा भाई CH, बड़ा जो CH है, CH के नेबर में क्या आ रहा है, एक तो एक साइड पे तो एल्केन आ रहे हैं, दूसरी साइड पर क्या आ रहा है CH के नेबर में, सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये देखो भाई CH के नेबर में सी डबल बॉन्ड ओ अगर आ जाए ये, तो 2.2 से 3.0। और बेटा यहां पर जो CH की वजह से आपके पास मल्टीप्लेट आ रहा है, जब तीन चार से ज्यादा हो ना, क्वार्टेट से ज्यादा, तो आप मल्टीप्लेट कह दें। वैसे सेप्टा सेवन को कहते हैं, सेप्टेट भी बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लेट ज्यादा अच्छा वर्ड है, मल्टीप्लेट। एल्केन नहीं लिख सकते, बट अगर एल्केन लिखेंगे फिर तो पीक यहाँ आनी चाहिए ना आपकी, शील्डिंग कार्बोनाइल ने CH के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जिसकी वजह से CH की पीक एल्केन वाले रीजन में क्यों आएगी भाई, क्या पीक इधर आएगी 0.9 से 1.7 के दरमियान, बिल्कुल भी नहीं। कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनाइल क्या इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। जी यस सर, तो बेटा अगर अल्काइल के नेक्स्ट पर सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा हो, अल्काइल के नेक्स्ट पर सी डबल बॉन्ड ओ, तो फिर पीक 0.9 पर तो नहीं आएगी ना, फिर 2.2 से 3 के दरमियान आएगी। जी यस तो थैंक यू। अब इसका मल्टीप्लेट क्यों आ रहा है भाई, मल्टीप्लेट इस पे आ रहा है कि इसके नेबर में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स ऑन द वेरी नेक्स्ट कार्बन। नेबरिंग कार्बन, और सी डबल ओ एच बेटा ये देखो ये अलहदा सही है, बस 9.0 से 13.0, और इसकी आपको पता है सिंगलेट पीक आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, कैप्सिसिन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ हॉट एक्वस NaOH। बेटा ये बात नोट करें कि जब भी वो इस तरह का रिएक्शन देना हॉट एक्वस NaOH, तो बेसिकली वो हाइड्रोलिसिस करा रहा होता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। देखें एमाइड की, एस्टर की, इन सब की बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है ना। मैं आपको जरा इसमें थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ पहले। जिस तरह एमाइड है ना बेटा, ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना हम, चले मैं हेडिंग देता हूँ बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में पहले तो बेटा वाटर से रिएक्शन होता है, पहले भी रिएक्शन होगा वाटर के साथ ही, देखो वाटर के साथ रिएक्शन होगा और यहां से टूटेगा ये बॉन्ड,
तो ये बनेगा जी आपके पास CH3, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस NH3। लेकिन बेटा बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो ना, तो सॉल्यूशन में बेस तो होगा, तो ये बेस इस एसिड से रिएक्शन कर जाता है, और ये रीजन है कि आप सॉल्ट बनाते हो। एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनता है बेसिक हाइड्रोलिसिस में, जिस तरह आप एस्टर की करते थे, याद याद करो, एस्टर के अंदर भी जो बेसिक हाइड्रोलिसिस होती थी आप उसमें सॉल्ट बनाते थे। सॉल्ट बनने की रीजन ये होती है भाई कि पहले तो हाइड्रोलिसिस होगी पहले स्टेप में, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस होगी ना तो आपके पास एसिड बनेगा। ये जो एसिड बना है ये आपके बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा जो आपने उसमें डाला हुआ है, तो एंड प्रोडक्ट आपका सॉल्ट बनेगा। तो सेम यहां पर भी ऐसे ही करना है आपने। देखो ये आपकी बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, यहां से तोड़ो उसको। अच्छा एक और काम भी, और आपको पता है फिनोल भी NaOH से रिएक्शन करता है। फिनोल कैन रिएक्ट विद NaOH, अल्कोहल नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। अल्कोहल्स बहुत ही वीक एसिड है, अल्कोहल्स NaOH से रिएक्शन नहीं कर सकते बेटा, ये नोट कर लो। लेकिन फिनोल्स NaOH से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और एक और डिफरेंस भी देख लो, जो ग्रुप वन का मेटल है ना, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल दोनों से रिएक्शन करता है, फिनोल से भी रिएक्शन करता है और अल्कोहल से भी रिएक्शन करता है। ये चीजें नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। जो ग्रुप वन का मेटल है सोडियम रिएक्ट्स विद बोथ फिनोल एंड अल्कोहल, लेकिन जो NaOH है ना, NaOH इट ओनली रिएक्ट्स विद फिनोल एंड डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। तो अब बेटा जो आपने NaOH लिया तो वो यहां भी रिएक्शन करेगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप बनाने जा रहे हो ना, इसको सॉल्ट बनाना है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो एक तो आपने एच बनाना है और एक आपने बेटा के बनाना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा अब कार्बन से देख लेते हैं, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, तो यही होगा भाई। आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह बना लो, और सोडियम भी तो आ रहा है ना इसमें, देखो ओ एन ए, देखो ये ओ एच था ना, ओ एन ए कर दिया मैंने, NH2, ये देखो ना ये NH2 बेटा यहां से आ गया इधर, ये NH2 हो गया आपका, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ यहां क्या होगा बेटा, ये सॉल्ट आपने कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना, सॉल्ट बनाना है बेसिक हाइड्रोलिसिस से। ये हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, और आगे 1, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनेगा जी, ठीक है। आप फॉर्मूला चेक करेंगे एक दफा। नेम द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन E1। E1 बेटा दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, देखिए एक तो आपको नजर आ रहा है बेसिक हाइड्रोलिसिस ना, एक तो आपको हाइड्रोलिसिस नजर आ रहा है। दूसरा बेटा ये जो रिएक्शन हुआ है ना फिनोल और NaOH, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है भाई, ये देखो ना सॉल्ट और वाटर इसमें बन रहा है, दिस इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एल फॉर्म व्हेन कैप्सासीन इज ट्रीटेड विद LiLH4। अब एक बात सुनो, LiLH4 और NaBH4, इस फर्क समझ लो, LiLH4 और NaBH4 दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं, चीजों को रिड्यूस करते हैं बाय रिलीजिंग द हाइड्रोजन। लेकिन LiLH4 एक तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड कीटोन की जहां एल्डिहाइड कीटोन को दो रिड्यूस कर सकते, सर आपकी आवाज लेकिन अगर एमाइड की रिडक्शन, एमाइड सॉरी सर ये बात कैथोड की रिपीट एसिड, कर दें, आपकी आवाज अड़ जी रही बेटा है अच्छा सर, ये आपकी आवाज कट। मैं लिख देता हूँ बेटा, मैं कह रहा हूं LiAlH4 एंड NaBH4 बोथ कैन रिड्यूस दी कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद क्या होता है बताएं,
एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड ब्रोमोन। कीटोन। ठीक है, दूसरी बात लिखें, ओनली LiAl4, ओनली LiAl4 कैन रिड्यूस दी कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड एंड नाइट्राइल इनटू देयर प्रोडक्ट, जो भी इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा। बट अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है, एमाइड को रिड्यूस करना है या नाइट्राइल को, तो आपको क्या यूज करना होगा? LiAl4, NaBH4 नहीं कर सकता भाई। तीसरी चीज, एल्कीन को कौन रिड्यूस कर सकता है इन दोनों में से? हाइड्रोजन ऑन ले तो हाइड्रोजन बोथ रिड्यूसिंग एजेंट कैन नॉट रिड्यूस दी एल्कीन्स, इनमें से कोई भी एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता भाई, एल्कीन को कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये जो LiAl4, जी बेटा, अब ये जो LiAl4 इसने लिया है, इसका वो एलर्जी के कैप्सिसिन से रिएक्शन कराएं और बताएं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है जी। तो ये जी आपके पास कैप्सिसिन, यहाँ रिडक्शन हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी भाई, अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता LiAl4, याद रखिएगा। अब बस आपने ये ना बेटा, आपका इसकी रिडक्शन इस तरह की होती है कि 4 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे और जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे बेटा। तो ये NH2 के बाद ना अब ये CH2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनेगा जी अब आपके पास। सर अब सी एच कौन सा थ्री काउंट ओके चल नहीं सकता है बेटा? होगी, किसकी बेटा? CH3 ओके। CH3O को हम क्या करेंगे बेटा, ये क्यों रिड्यूस होगा भाई? एक तो उसने पहले बता दिया, वैसे तो इसमें कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, इसमें क्यों रिड्यूस होना है? लेकिन उसने ऊपर बताया भाई, ये पूरे में उसमें रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये नॉन रिएक्टिव पार्ट है, ये नॉन रिएक्टिव पार्ट है भाई। सही ठीक है ना बेटा? जी सर, समझ आ गई। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिस इज द लास्ट पार्ट, बेंजोइल क्लोराइड। देखो, जिस तरह बेटा आप लोगों ने एसाइल पढ़ा होगा ना, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको आप कहते हैं एथानोइल। वैसे बताएं कैसे बनाते थे भाई आप लोगों ने, ये जो कन्वर्जन पढ़ी थी एसाइल हेलाइड, ये किससे बनाते थे? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बनाते थे? यस याद करो, जी, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डालते थे? PCl5 या PCl3 या SOCl2। बेटा यहाँ पर भी ऐसे होगा ना कि आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, ये वाला बस बेंजीन लग गया है, कार्बन की जगह बेंजीन लग गया, तो बेंजोइल क्लोराइड कैन बी मेड फ्रॉम इथाइल बेंजीन। लेकिन मैंने आपको हिंट दिया है, जिस तरह एथेनॉइल क्लोराइड एथेनोइक एसिड से बनता था, बेंजोइल क्लोराइड किससे बनेगा भाई? किससे बनेगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से बनेगा। लेकिन मसला ये है, मसला ये है कि ये बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजीन से कैसे बन सकता है? तो आपको याद होना चाहिए, एक रिएक्शन था जिसका नाम था साइड चेन ऑक्सीडेशन इन बेंजीन रिंग। याद है बेटा, साइड चेन ऑक्सीडेशन KMnO4 इन सर। बेंजीन जी। लेकिन इसमें याद रखना अल्कलाइन KMnO4। तो इसमें बेटा ये होता है कि बेंजीन के साथ चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन लगी हो, बस जो पहला कार्बन होगा ना जो बेंजीन के साथ अटैच है, वो कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। तो इसलिए देखो, ड्रॉ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एम, वो मैंने बता दिया बेंजोइक एसिड है, सजेस्ट द सूटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 के लिए तो बेटा आपका अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट, अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा? देखो, जिस तरह यहां मैंने बताया PCl5 PCl3 SOCl2,
कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी डालो तो वो एथेनॉइल क्लोराइड। तो अब आपने बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड डालना है तो PCl5, PCl3 या SOCl2। अगर आप SOCl2 लिखोगे तो कोई हीट की जरूरत नहीं है, फिर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा, सिर्फ PCl3 के साथ आपको हीट देनी पड़ती है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन स्टेप वन। स्टेप वन में क्या हो रहा है, बड़ा क्लियर है। स्टेप वन में ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, KNO4 ही आपको बता रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और स्टेप टू में क्या हो रहा है, स्टेप टू के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है ना, देखो ये कार्बोक्सिलिक का OHCl आ गया, इसकी जगह कार्बोक्सिलिक के OH की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक बेटा, ये यहां पर बेटा न्यूक्लियोफिलिक है ना, OH की जगह Cl आ रहा है, OH भी नेगेटिव है, Cl भी नेगेटिव है। सर क्या हम सारी सूरतों में हीट करेंगे? सर स्टेप में नहीं 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 पीसीएल एलिमिनेशन फाइव से में हीट नहीं करना, पीसीएल फाइव में भी हीट नहीं करना, SOCl2 में भी हीट नहीं करना, सिर्फ पीसीएल थ्री में हीट करते हैं बेटा। सर स्टेप टू ओके में हम सर, एलिमिनेशन लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं स्टेप टू में? एलिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं। एलिमिनेशन पता क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है ना, इस तरह इस एक मॉलिक्यूल के अंदर से आप एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज करवाओ, कोई और चीज से रिएक्शन नहीं हो रहा भाई, यहां तो मैं SOCl2 से रिएक्शन करवा रहा हूं ना। सर एलिमिनेशन में आप एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर से एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज करवा रहे होते हो, जिस तरह डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन, जो डिहाइड्रेशन होती है ना बेटा वो एलिमिनेशन भी होती है, यस सर। जिसमें वाटर निकल रहा होता सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे बेटा। OH के ऊपर क्या चार्ज है यहां पर, नेगेटिव और Cl के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव तो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस अब लास्ट है पार्ट। अच्छा ये जो रिएक्शन है ना, ये मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है बेटा। आप लोगों ने जो एथेनॉइल क्लोराइड है ना, एथेनॉइल क्लोराइड, उसका रिएक्शन वाटर से पढ़ा था, और ये आपने किया था जी, और साथ में HCl। अब इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको करवाया गया था कि मैकेनिज्म इसका ऐसे होगा कि बड़ा, आप मुझे बताएं याद आ रहा है ये मैकेनिज्म किया था जी आप लोगों ने, जिसमें जी सर। ऑक्सीजन इधर अटैक करता था, ये इधर चला जाता था। यहां पर भी ऐसे होगा, सिर्फ वाटर के ना एक एच की जगह पता है क्या लगाया है उसने, ये लगाया है अभी, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं पहले इतना करता हूँ, आपको पहले यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि नोट्स अगर आपके सामने होंगे ना फिर आपको, मैं जल्दी से ये लिख देता हूँ जरा साफ करके। ये था, ये आपका वाटर है, इस तरह था कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अटैक करता था, ये इधर चला जाता था, CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव, Cl ऑक्सीजन, और ये इस तरह ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो गया, इसलिए ऑक्सीजन प्लस में चला गया, लोन पेयर यूज हो रहा है ना। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताएं, तीन एरोज आपने लगाने थे, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो सबसे वीक है वो इधर, और ये जो बेटा ऑक्सीजन है ना ये भी अभी अनस्टेबल है क्योंकि इसका लोन पेयर यूज हुआ हुआ है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर चला जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां से जो सीएल माइनस आ रहा है ये एच प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा और एच सी एल निकल जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब जरा ये मैकेनिज्म ऊपर हम अप्लाई करते हैं बेटा, देखो उसने कहा है C6H5Cl, ये बेंजोइल क्लोराइड है आपके पास, रिएक्ट विद फिनोल, फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा और फिनाइल बेंजोएट ये इसने बनाया हुआ, चलिए मुझे जरूरत नहीं बनाने की। अब कह रहे हैं एन इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन शोन, कंप्लीट द मैकेनिज्म। देखिए जब भी मैकेनिज्म लिखना होगा बेटा आपने, ये डाइपोल्स पॉजिटिव नेगेटिव, अगर किसी पर केटाइन एनाइन बन रहा है वो, लोन पेयर, कर्ली एरो, ये आपने लाजमी मेंशन कर दी। कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, फिनोल यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर लोन पेयर ड्रॉ करना मस्ट है, तो जी पहले ये रिएक्शन होगा जी। देखो फिनोल का जो, जिस तरह नीचे वाटर का ऑक्सीजन उसका लोन पेयर, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, और ये जो है ना ये बॉन्ड इधर आ जाएगा,
देखो ये जब कार्बोनाइल कार्बन ना ओ के साथ बॉन्ड बनाएगा ना ओ के साथ, तो जहरी बात है कार्बोनाइल कार्बन को फिर अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये एक डबल बॉन्ड तोड़ देगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि भाई ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये भी उसने गेन कर लिया। और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्यों? इसलिए कि भाई ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो गया है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन ने ले लिया, शेयर मतलब जो शेयरिंग हुई है। अब दिस इज हाईली अनस्टेबल, अब ये इंटरमीडिएट ये चाहता है कि मेरे चार्जेस खत्म हो भाई। इन चार्जेस से जान छुड़ाने के लिए जो ऑक्सीजन है ना वो इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, कहां? कार्बन ऑक्सीजन। तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड तभी बनेगा अगर कार्बन को अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और कार्बन कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा पता है? जो सबसे वीकर बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन वीकेस्ट बॉन्ड है इस पूरे मॉलिक्यूल में। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, क्लोरीन का एटॉमिक साइज बिगर है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड बेटा टूटेगा। और ये जो बेटा यहां से सीएल माइनस निकलेगा ना, ये जाते हुए इस एच को अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए एच को पता है कि सीएल माइनस के साथ मैंने बॉन्ड बनाना है, तो एच क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। ये तीन करली एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुने, ये तीन एरो दोबारा देख लें बेटा। मैंने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला हुआ था, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बेटा यूज हो गया। तो अब ऑक्सीजन क्यों इधर दोबारा लोन पेयर डोनेट कर रहा है? इसलिए कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अनस्टेबल कर रहा है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन ने अगर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन को ये क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ना हो, और ये क्लोरीन क्या करेगा? सीएल माइनस की फॉर्म में जाएगा और यहां से ये एच प्लस रिलीज हो जाएगा। अच्छा देखो, यहां मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पहले स्टेप में ना एडिशन हुई है। अगर आप पहले स्टेप में देखो ना, इस पहले स्टेप में एडिशन हो रही है। पहले से दूसरे स्टेप की तरफ जाओ, बॉक्स वन से बॉक्स टू तो एडिशन हुई है। कैसे? नहीं, पहले बॉक्स वन से बॉक्स टू एडिशन है भाई। देखो ना, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड था और अब डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो इसका मतलब एडिशन हुई है ना, ये फिनोल ऐड हो गया। अब देखना क्या होगा, बॉक्स टू से बॉक्स थ्री की तरफ। बॉक्स टू से बॉक्स थ्री में ये होगा कि आप इस सीएल को देखो और इस एच को देखो, कि यहां से एलिमिनेट हो रहे हैं, एक पूरा मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होने जा रहा है। ये देखो, ये एलिमिनेट हो गया और साथ में HCl बन रही। इसलिए इसके मैकेनिज्म का नाम है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन, पहले में एडिशन हो रही है और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। बेटा लास्ट है, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, बस ये खत्म हो जाएगा। फिर वो कह रहे जी ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, बेटा तीन इसने कंपाउंड लिए हैं, एक है बेंजोइल क्लोराइड, दूसरा है क्लोरोबेंजीन और तीसरा है क्लोरोइथेन। अच्छा, उसका क्वेश्चन ये है कि इन तीनों का ना वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो बताओ कहां से ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कहां पर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जल्दी टूटेगा? आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है वाटर के साथ, पहले वाले में। हाँ, अब देखें, अब बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं इस तरह करता हूँ कि ये चीज पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा ये जो क्लोरोइथेन है ना, इसमें देखिए ये अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आज के बाद याद कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते हैं, वीकन नहीं करते, ये आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर करेंगे, ठीक है। ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्गर करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हाइड्रोलाइज करना सबसे आसान होगा, मुश्किल होगा भाई? मुश्किल, इसको हाइड्रोलाइज करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखो ना, इसमें एक और चीज भी है, क्लोरोबेंजीन जो है ना, ये भी जरा देखिए, क्लोरोबेंजीन में एक और साइंस है बेटा। क्लोरोबेंजीन में ये मसला है
कि जो क्लोरीन है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. आपको पता है बेंजीन के साथ जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. जब क्लोरीन बेटा अपने लोन पेयर शेयर करेगा ना विद बेंजीन, तो देखो यहां पर ना ये कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा. कार्बन और क्लोरीन, बेंजीन और क्लोरीन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, जिसकी वजह से अब इसको तो ब्रेक करना सबसे मुश्किल नहीं हो गया क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड तो किसी में भी नहीं था भाई. तो सबसे मुश्किल जो हाइड्रोलाइज करना है ना, ब्रेक डाउन करना, वो ये क्लोरोबेंजीन है. क्लोरोबेंजीन हार्डेस्ट टू हाइड्रोलाइज. क्यों, इसकी क्या रीजन बताओगे बेटा? रीजन आप खुद लिख लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं. क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एज अ रिजल्ट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप बिटवीन द बेंजीन एंड क्लोरीन. अच्छा, सबसे जो आसान है ना ब्रेक डाउन करना वो ये है बेटा, बेंजोइल. देखिए मैंने आपको एक बात बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड, ये बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं, बताएं कि कार्बोनाइल कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है. कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप. तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं ये बॉन्ड्स को वीकन करते हैं, और ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है तो ये सबसे रेडीली टूटेगा ना. तो इसलिए जो सबसे आसानी से हाइड्रोलाइज होगा वो है आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड. और जो दरमियान में आ रहा है वो क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन. बट इसमें रीजन आप खुद लिख लेंगे, मैं एक दफा दोबारा बता देता हूं कि सबसे पहले आप क्लोरो बेंजीन को पकड़ेंगे. आप कहेंगे इन क्लोरो बेंजीन, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एज अ रिजल्ट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप, देयरफॉर इट इज हार्डेस्ट या देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. फिर आप कहेंगे कि बेंजोइल क्लोराइड इजिएस्ट टू हाइड्रोलाइज, क्योंकि कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इट वीकेंस द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. और फिर क्लोरो एल्केन के अंदर आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट स्ट्रेंथन्स द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है. मैं भी आपको कल के लिए ना पेपर सेंड करता हूं. आप कल कौन सा पेपर करवाएंगे बेटा? आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कुछ रिकमेंड करें. 2023 को तो मैंने सारे करवा दिए, आप लोग बताएं कौन सा मुश्किल लग रहा है सबसे, वो करवा देता हूं. बता दीजिए अभी. या एक सीक्वेंस में चलें बस, कल फरवरी मार्च 2022 का करवा दूंगा फिर. सीक्वेंस ठीक है सर, सीक्वेंस ठीक है. 2020 से बेटा इतना करते हैं, 2023 हो गया ना, मेरी बात सुनिएगा, 2023 हो गया है ना. अब अगर हम 2020 से बस स्टार्ट करें और एक सीक्वेंस में आए, 2020, 2021, 2022, फिर टाइम मिला तो हम उससे पिछले भी कर लेंगे, 2018-19 सर हमने फेब मार्च 2022 कर लिया. चलिए ठीक है, कल मई जून का कर लेंगे ना, मई जून 2022 का करेंगे. सारे वेरिएंट्स करने हैं इंशाल्लाह, कुछ आप लोग भी करेंगे कुछ मैं करूंगा. ठीक है, तो कल इस तरह करते हैं, मई जून 2022 का कर लेते हैं बेटा, मई जून 2022. ठीक है, हमारा वाला वेरिएंट को 42 वेरिएंट मैं अभी आपको सेंड करता हूँ बेटा.